निवेदन करता हूं सब खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर भाव से प्रेम से श्रद्धा से और साथ ही साथ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहते हुए अब महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। हम लोगों के मध्य कुछ मान्यवर उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हम लोगों के मध्य यहां पर सुरेश मोर साहब उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं अभी दीप प्रज्वलन मान्यवरों के हस्तों से होगा, तो जिन जिन मान्यवरों के नाम लिए जाएंगे उनसे मैं करबद्ध विनंती करता हूं कि मंच पर वे आएंगे और उनके महाराज जी के सानिध्य में दीप प्रज्वलन होगा और कार्यक्रम आरंभ होगा। श्रीमान सुरेश जी मोर एवं माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सहायक विशेष सुहृद हमारे राजेश जी उत्तम चंदानी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं एवं उनके माता जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ वे मंच पे आएंगे, दीप प्रज्वलन होगा। साथ ही साथ हमारे पवन कुमार अग्रवाल जी उपस्थित हैं एवं माता जी हमारे कथा के यजमान राजीव जी मल्होत्रा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, राजीव जी मल्होत्रा एवं माताजी, सतीश जी अहिर साहब एवं माताजी, आनंद प्रदा माताजी एवं अग्रवाल प्रभु जी, सुरेश जी मोड़ साहब एवं माताजी, भद्र गोविंद प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं, दत्तात्रेय देशमुख जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ यहाँ पर मंच पर आए। सतीश जी अहिर साहब एवं माताजी आइए। श्री जाह्नवी माता जी भी यहाँ पर उपस्थित है, मोटवानी माता जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मंच पर आएंगे। दत्तात्रेय देशमुख साहब जी जहाँ कहीं हो वे भी आए। बुदानी वेपर्स के मालिक हमारे अरविंद जी बुदानी साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बसून घ्या सर्वांनी बसून घ्या कृपा करून मध्ये उभारू नका कोणी कृपा करून बसून घ्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज इस भागवत सप्ताह अंतर्गत यह अंतिम दिवस है बहुत सारे मान्यवर आने वाले हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि सामने के जो सोफा सेट्स हैं आप लोग थोड़े से जो वीआईपी पासधारी भक्त हैं उनके लिए रिजर्व रखिएगा और जो भी फिर से भ्रमण कर रहे हैं लोग बहुत सारे जो भी इस्कॉन के भक्त हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर ये जो सामने वाली एलईडी लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली है पास में भी आप आ सकते हैं महाराज जी के तो आप इस तरफ आ सकते हैं राइट साइड में जो पीछे खड़े हुए लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कृपा करके बैठ जाइए बीच में कुछ चेयर्स दिख रही हैं खाली उसको भी भर दीजिए बीच में जगह मत छोड़िए और जो भक्तों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बहुत डिस्टर्ब होता है कार्यक्रम में तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माता पिता पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों को लेकर आए हैं कृपा करके उन बच्चों के ऊपर वे ध्यान रखें और खास करके महाराज जी के साइट में व्यू में जब महाराज जी कथा कीर्तन कर रहे हैं तो सामने बच्चे ना घूमें ऐसी दक्षता लें मैं निवेदन करता हूं हरे कृष्णा तो पुनः एक बार आप सभी भाविक भक्तों का श्रद्धालुओं का श्रोतागणों का इस उत्सव में सम्मिलित
सभी भक्तों का मैं हृदय हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विशेष विशेष स्वागत करता हूं। हरि बोल। आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि महाराष्ट्र के मुखारविंद से नित्य निरंतर लगातार 20 वर्षों से हमको यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूं यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो लगातार 20 वर्षों से महाराज जी की कथा सुन रहे हैं। है कोई? हाथ उठाइए। है, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार 20 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, उनका भी विशेष स्वागत है। तो ये उत्सव बन गया है, पहले तो पूना का, अब हड़पसर का। हम चाहते हैं कि ये उत्सव न केवल महाराष्ट्र का, न केवल भारत का, एक वैश्विक स्तर का यह उत्सव होना चाहिए। हरि बोल। तो उत्सव की बात आई गई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस साल महाराज जी का यह अमृत महोत्सव वर्ष है। हरि बोल। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। और हम श्री क्षेत्र पंडरपुर में, भू वैकुंठ श्री क्षेत्र पंडरपुर में आषाढ़ी एकादशी के समय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं महा महाव्यास पूजा मनाने जा रहे हैं। हरि बोल। तो इसकी विशेष सूचना हम बीच में देंगे। हमारे कृष्ण भक्त प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं, किस प्रकार से भव्य दिव्य आयोजन होने वाला है। 158 देशों से, 750 से भी अधिक विदेशी भक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। हरि बोल जी। तो इस तरह से पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत, महाराष्ट्र का भी स्वागत। आज का यह कार्यक्रम हमारा मध्य रात्रि तक चलने वाला है, 12:30 बजे तक चलने वाला है। तो सब लोग धैर्य धारण करके बैठे रहें। अभी महाराष्ट्र का आगमन हो चुका है, महाराज जी विद्यमान है देहू से। जैसे आप देख रहे हैं तुकाराम महाराज जी तो पहले दिन से ही आकर बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और तुकाराम महाराज जी के वाणी पर, महाराज जी के कृपा आशीर्वाद पर इतने प्रसन्न है कि तुकाराम महाराज जी के देहू संस्थान से तुकाराम महाराज जी को अर्पित की गई विशेष पगड़ी महाराज जी के लिए साक्षात देहू से आई है। हरि बोल। तो हमारे मान्यवर देहू से आई तुकाराम महाराज जी की पगड़ी एवं शॉल प्रदान करके महाराज जी का अभिवादन करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी महाराज जी को पहनाया जाएगा, जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम महाराज जी का धन्यवाद देंगे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। जगत गुरु तुकाराम महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। जहां पर ये वीआईपीज बैठे हैं तो अभी भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है, तो मैं कुछ भक्तों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था है, तो जो भक्त नीचे भी बैठना चाहते हैं यहाँ पे सामने, तो नीचे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, ताकि आप महाराज जी का पास से सानिध्य प्राप्त कर सके, नृत्य कीर्तन में भाग ले सकें। नासिक से विद्यार्थी मूल्य शिक्षण का ऐसा विशेष ग्रंथ, उसका विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है महाराज जी के कर कमलों से। और हमारे आलोक निताई प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर एक विशेष यह ग्रंथ विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला दिव्य ग्रंथ हमारे जानकीनाथ प्रभु जी आए हैं नासिक से। तो महाराज जी के हाथों से यह दिव्य ग्रंथ का उद्घाटन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हरि वो ऐसे विशेष ग्रंथ का समूह है जो हमारे विद्यार्थी भक्तों को विशेष विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हरि वो विद्यार्थी भक्त जो हमारे, हाँ, हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे भारत का भवितव्य है, भविष्य है, ये कैसा उज्जवल होना चाहिए, तेजोमय प्रकाशमय होना चाहिए,
तो ये दिव्य ग्रंथ उनको मार्गदर्शन करेंगे। हमारे देहू से आलोक निताई प्रभु जी आए हैं, जो दो मिनट आपके सामने कुछ अनुमोदित करना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं अपने वचन यहां पर रखें। हरे कृष्णा। पहिल्या दिवशी कथेला ज्या वेळेस आलो त्यावेळेस केशव प्रभूंनी एक विनंती केली की ह्या वर्षी आपण पांडुरंगाची कथा करत आहोत, पंढरपूर धामाचं महात्म्य वर्णित करत आहोत, तर तुम्ही महाराजांसाठी एक विशेष भेट तुकोबारायांची घेऊन यावी अशी विनंती केली आणि केशव प्रभूंच्या विनंतीवरून आम्ही ही भेट आणली। तर आज आम्ही महाराजांना तीन वस्तू अर्पित केलेल्या आहेत। एक जी तुकाराम महाराजांची पगडी आहे, ही तुकाराम महाराजांची पगडी जी आली महाराजांसाठी ही सर्व देहू इस्कॉनच्या भक्तांच्या वतीने आलेली आहे। दुसरी वस्तू जी महाराजांचा आपण शाल अर्पण केली ही संत तुकाराम महाराज संस्थान यांच्या वतीने आली आहे। आणि तिसरी जगद्गुरू तुकाराम महाराजांची सुंदर अशी मूर्ती जी महाराजांना आपण प्रदान केली ती सर्व देहू ग्रामस्थांच्या वतीनं महाराजांना ती मूर्ती आपण या ठिकाणी दिलेली आहे। तर संपूर्ण यानिमित्तानं सर्व देहूकरांच्या वतीनं आम्ही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये इथं आलो आहोत, मात्र सर्व देहूकरांच्या वतीनं महाराजांना सन्मानित केलं। आणि ह्यावर्षी एक विशेष इच्छा अशी होती सन्मानित करण्याची, जसं आत्ताच उद्धवप्रभूंनी वर्णन केलं की येणारं वर्ष जे आहे 2024 हे वर्ष म्हणजे परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांना या आपल्या सर्वांच्या मध्ये महाराजांचं येणं झालं त्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत, म्हणजे महाराजांची 75वी व्यासपूजा 2024 आपण साजरी करणार आहोत। पण या 2024 अजून एक विशेष गोष्ट घडत आहे, ती अशी महाराजांना येऊन झाले 75 वर्ष आणि या 2024 तुकाराम महाराजांना वैकुंठाला जाऊन होत आहेत 375 वर्ष। हा अतिशय विशेष असा योग आहे आणि याच योगायोगाचं औचित्य साधून आपले श्वेतदीप प्रभू ज्यांचं जाऊ देवाची या गावात सुंदर असं महानाट्य आहे, हे महानाट्य संत तुकाराम महाराज संस्थान आणि देहू इस्कॉन यांच्या वतीनं तुकाराम महाराजांच्या बिजेच्या निमित्तानं 5 दिवस आलेल्या सर्व वारकऱ्यांसाठी हे महानाट्य तिथं आपण आयोजित करणार आहोत। तर आत्ताच आपल्या सर्वांना त्याचं आग्रहाचं निमंत्रण, खूप खूप धन्यवाद। हरे कृष्णा। फार फार धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बड़े ही विशेष अतिथि मान्यवर उपस्थित हैं। सिस्का ब्रांड आप जानते हैं ना, सिस्का लाइट्स, सिस्का ब्रांड के ये मालिक श्रीमान राजेश जी उत्तम चंदानी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे सुरेश जी मोर साहब जिन्होंने खुद ही एक विशाल मंदिर बनाया है और अकेले ही पूरा मंदिर बना के महाराज जी को समर्पित किया है। हरि बोल। ऐसे मोर साहब ये महाराज जी का विशेष यहाँ पर स्वागत सत्कार कर रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम लोग उनका अभिवादन करेंगे। हमारे राजेश जी उत्तम चंदानी साहब हैं, सिस्का एलईडी के, सिस्का ब्रांड के ये मालिक हैं राजेश जी उत्तम चंदानी जी, तो उनको भी महाराज जी का विशेष कृपा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हरि बोल। तो महाराज जी उनको विशेष विशेष भेंट विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की प्रतिमा देकर उनको अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो तीन बार हरि बोल बोल के हम उनका धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज जैसे मैं बता ही रहा हूं कि आज का यह कार्यक्रम मध्यरात्रि तक चलने वाला है। 2023 को दिव्य भागवत कथा के साथ, सत्संग के साथ, हरिनाम के साथ समाप्त करते हुए 2024 का आरंभ हमको दिव्य हरिनाम के जल्लोष के साथ, उद्घोष के साथ हमको नए वर्ष में, वैसे ये नया वर्ष कोई हिंदू परंपरा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप सभी लोग जानते हैं कि यही वह समय होता है जब लोग अन्य अन्य कामों में व्यस्त होते हैं और दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त है उसको व्यर्थ गंवाते हैं, इसलिए अन्य स्थान पर या अन्य जगह ये लोग न जाएं, उनको कोई आध्यात्मिक कार्य मिले जिससे उनका जीवन धन्य हो सके, यह भी एक प्रयोजन इस हरे कृष्ण उत्सव का है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो नवयुवक हैं जहां नहीं होने चाहिए ऐसे स्थान पर वे जा रहे हैं और अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। हरी, तो हरिनाम संकीर्तन के साथ, दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के साथ हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं।
तो अधिक विलंब न करते हुए मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि इस हरे कृष्ण उत्सव अंतर्गत सप्तदिवसीय भागवत कथा के सप्तम सत्र को सातवें पुष्प को यहाँ पर वे ग्रथित करें और हम सभी लोगों को अपनी दिव्य अमृतमय वाणी का प्रदान कर हमारा जीवन कृतार्थ करें। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरि हरि हरि। श्री राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अभी गाना है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चरी। यमुना तीर वन चरी। यमुना तीर वन चरी। यमुना तीर वन चरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राजा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। 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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वन चारी। यमुना तीर वन चरी। जमुना तीर वन चरी। जमुना तीर वन चरी। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Bhavanande. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय विठ्ठल जय हरे विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरे विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 पंडरपुर धाम के जय देहू धाम की जय ऋषि विठल रुक्मिणी के जय राधा पंडित बिहारी की जय राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुबाद की जय जगत गुरु संत शिरोमणि तुकाराम महाराज की जय मिठाई गौर प्रेमानंद मिठाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल मिठाई गौर प्रेमानंद हरि हरि
शाखं कुतरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंत्रार श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक विशेष विशेष अतिथि उपस्थित हैं, गोयल गंगा ग्रुप की ओर से हमारे जयप्रकाश जी गोयल साहब हैं और साथ ही साथ गीता माता जी भी यहाँ पर है, गीता गोयल माता जी, और वे महाराज जी का विशेष स्वागत कर रहे हैं और महाराज जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री की इससे पूर्व 2 साल से तो हड़पसर में हो रही है। पहले आप लोग जानते हैं कि यही कथा 25 से 31 दिसंबर की कथा गणेश कला क्रीड़ा मंच में होती थी, तो एक वर्ष संपूर्ण कथा का आयोजन गोयल गंगा ग्रुप के द्वारा हुआ था। हरि बोल। संपूर्ण कथा इन्होंने स्पॉन्सर की थी। हमारे गोयल गंगा ग्रुप से जयप्रकाश जी गोयल साहब हैं, हमारे हितैषी हैं, इस्कॉन के वेल विशर हैं, सहायता करते रहते हैं। आप इस्कॉन मंदिर में भी जाएंगे तो एक गीता भवन है, आप जय गीता भवन NVCC के पीछे आप देखेंगे सेवा ऑफिस है, जय गीता भवन, वो भवन ही इन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो जैसे हमारे जय प्रकाश जी हैं और गीता जी दोनों ने मिलके तो बड़े ही अच्छे हमारे सहायक हैं, वेल विशर हैं, तो इनका 3 बार हरी बोल बोल के हम लोग यहाँ पर धन्यवाद देंगे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। इस साल भी उन्होंने अन्नदान में विशेष सहायता की है तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं, महाराज श्री के सुमधुर कंठ से हम लोग यहाँ मंत्र मुक्त तो हो ही रहे हैं। महाराज जी समग्र विश्व में कीर्तन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। हरी बोल। तो श्रीमान केशव प्रभु हमारे भागवत सप्ताह समिति के अध्यक्ष स्वागत करेंगे जय प्रकाश जी का। आगे आइए जय प्रकाश जी गोयल साहब एवं गीता माता जी का हम विशेष स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हरी बोल। हरे कृष्णा। तो एक विशेष खुशखबर इस प्रकार से है, महाराज जी का ठीक है तो ठीक है, धन्यवाद। महाराज से निवेदन करता हूं कि महाराज जी सत्र को आरंभ करेंगे। आप हरी हरी। ओम
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे मैं भी आप सभी का अरे पुनः पुनः स्वागत, आज भी स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे स्वागत का स्वीकार कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम्ड। हरी हरी। या फिर ये भी विचार आता है कि जैसे हम यहाँ आज स्वागत कर रहे हैं आपका, एक दिन निकट के भविष्य में वैकुंठ में या वृंदावन में भी आपका स्वागत हो। जब हम सबको भी अमी जात हो अमोचा गावा ये पगड़ी पहना तो अरे अरे जैसे तुकारा महाराज अपने गांव लौटे, अपने गांव तो उनका गांव तो ऐसे हम सभी का भी गांव है, क्योंकि वैकुंठ या वृंदावन या पंढरपुर को भी कहते हैं माहेर घर। फिर वो वैकुंठ ये भू वैकुंठ अभिन्न भी है, तो भी हमें ये वैकुंठ जो धरातल पर है व्यू भू वैकुंठ, यहाँ जाते हुए वहाँ साधना करते हुए विठल का दर्शन करते हुए हमें अधिकारी बनना है भगवत धाम प्राप्ति का। तो बिठू मांसा लेकुर वाड़ा संगे गोपालांसा मेड़ा, तो हम सभी विठल के विठल की संतान लेकर आहोत आपन। आणि तो करकटावरी ठेवनिया, कमर पर हाथ रखते हुए भगवान हम सब की प्रतीक्षा या करते हुए दिखते तो है, दिखते ही किंतु जैसे जैसे दृश्य देख रहे हो वैसे ही वैकुंठ में गोलोक में वृंदावन में भी भगवान हम सब की प्रतीक्षा में है। तो आइए चलिए हम लौटते हैं राजनेता वगैरह तो चलो दिल्ली या चलो मुंबई वहीं तक हमको पहुंचाते हैं, किंतु संत महात्मा तुकाराम महाराज जैसे या श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जैसे और सभी आचार्य वैसे उनका अभियान उनका कैंपेन क्या होता है, चलो वैकुंठ। आप स्वागत कर रहे हैं, आप तैयार हो, आर यू रेडी? इनफ इज इनफ कहते बहुत बहुत हो गया। अरे अरे तो वैकुंठ भी हम सभी का गांव है। अमी जातो अमुचा काय
गावा आमच्या गावा तो वैकुंठ हमारा मदरलैंड है, फादरलैंड है। क्योंकि हमारे मदर फादर तो बिठो बा मुझे फादर त्वमेव माता पिता त्वमेव वो माता भी है पिता भी है धाता भी है पिता महा भी है मम सर्व देव देवा और वे सब कुछ है वासुदेव वसुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति इज ऑल इन ऑल प्रभुपाद कृष्ण पांडुरंग इज ऑल इन ऑल हम सभी के लिए वे सब कुछ है तो वे जहाँ सदैव रहते हैं अपने धाम में सो उनका धाम ही हमारा भी धाम हमारा भी गांव है हरी हरी जब गोकर्ण भी कथा कर रहे थे अब गोकर्ण धुंधकारी के लिए कथा कर रहे थे तो उस कथा के अंत में कई सारे विमान आ गए वैकुंठ विमान आए और उस वैकुंठ विमानों में वैमानिक थे या एयर होस्ट थे एयर होस्टेसिस नहीं थे ऐसा उल्लेख नहीं है एयर होस्ट थे और उन सभी ने जितने भी कथा में कथा ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और मनन पूर्वक जो कथा का श्रवण किए थे उस कथा को ध्यारण किए थे या कथा करते करते फिर ध्यान और समाधिस्थ भी हुए थे हरी हरी तो उन सबको आमंत्रित किए और उस उन विमानों में वैसे स्वयं भगवान भी आए थे उन्होंने तो गोकर्ण को भी आमंत्रित किए भगवान आमंत्रित किए गोकर्ण वक्ता को और श्रोताओं को भी वैमानिक होने या एयर होस्टेस एयर होस्ट होने उनको निमंत्रित किया और सभी के सभी दे बोर्डेड द प्लेन वैकुंठ प्लेन्स वैकुंठ से आए हुए विमान दे फैस्टन देयर बेल्ट्स कहो एंड Our engine started and they took off. Vaikunth Dham ki. Aisa hi drashya vaise 375 varsh purva 375 varsh purvi या पंडर या देहू में फिर विमान आया और तुकारा महाराज आरूढ़ हुए और फिर जाते जाते वे कहे थे अमी जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा रामकृष्ण मुखे बोला तुका जातो वैकुंठाला
इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे भगवान ने व्यवस्था की है यहाँ यहीं पर नेक्स्ट डोर पुणे के बगल में ही, अभी तो पुणे में ही हो गया आ गया ये देहू गांव। जब और कोई एयरलाइंस नो इंडिया एयर इंडिया और चाइना एयरवेज और दिस वन दैट वन ब्रिटिश एयरवेज, तब यह लैंडिंग हुआ एक विमान जिसमें तुकाराम महाराज बैठकर विराजमान होकर वैकुंठ लौटे और वे हम सबको कहे आप भी आ जाना आप भी आ जाना। इसके लिए क्या करो, राम कृष्ण मुखे बोला या जय जय राम कृष्ण हरि 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इज इट रेडी नाउ फॉर दिस वीडियो? क्यों नहीं वीडियो दाखवा होता तो तैयार है, अदरवाइज ऐसे otherwise we are ready for with the PPT. yes no kaha hai team ready? okay so go ahead. Yeah, so first slide, could you display? Okay, so एक प्रस्तुतिकरण presentation जिसका नाम वसुधैव कुटुंबकम हमने दिया है। हमारी संस्कृति या भागवत धर्म भी कहो सिखाता है सिंपल लिविंग एंड क्या कहते हैं हाई थिंकिंग, सादी रहनी, उच्च विचार। ऐसे ही कुछ उच्च विचार भी प्रस्तुत हम करना चाहते हैं, सादी रहनी, सिंपल लिविंग। या सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु न क्वचित् दुःखभाग् भवेत्। ये भी जो विचार है ये उच्च विचार है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, हरी हरी इत्यादि संबंधित। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बस एक शास्त्र गीता, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठो बाचे। ये गीता भागवत ग्रंथों का महात्म्य कहो, इसको भी इस संबंध में भी जो विचार है इत्यादि इत्यादि विचार को प्रस्तुत हम करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन में। वसुधैव कुटुंबकम, सो लेट्स स्टार्ट, वी डोंट हैव
much time. वसुधैव कुटुंबकम कहिए या हम लोग महाराष्ट्र में कहते हे विश्व जी काय माझे घर, हे विश्व जी माझे घर। वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार। वैदिक विश्व दृष्टिकोण ये भी इस प्रस्तुतिकरण का थीम या विषय है कहिए। प्रभुपाद को पूछा था श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन फाउंडर आचार्य, आप विदेश क्यों आए हो? तो प्रभुपाद कहे थे आई वॉन्ट टू चेंज द वे वर्ल्ड थिंक्स, जिस प्रकार से दुनिया सोचती है उनके सोच में मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं। और वो परिवर्तन कैसा हो? वैदिक दृष्टिकोण वाला, वैदिक व्यू वाला विचार वाले लोग बने, इसलिए मैं आया हूं। वसुधैव कुटुंबकम का ये वेद की वाणी ही है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये लोग मेरे हैं किंतु ये पराये। अयम निजः परः वेत्ति गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की सोच या विचार जिनका होता है उस विचार को, चेतना को, भावना को लघु चेतसाम, लघु मतलब संकीर्ण या लो थिंकिंग वाले इस प्रकार सोचते, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये द्वंद्व है। किंतु उदार चरिता नाम तो देखो, जो उदार दिल के, उच्च विचार के, विशाल दृष्टि के जो जन है उनकी सोच क्या होती है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी को वसुधा कहते हैं। वसुधैव वसुधा, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वे मेरे परिवार के हैं। देयर इज वन फैमिली, क्यों? विठू माझा लेकुरवाड़ा संगे गोपाळांचा मेळा, हम सभी एक ही भगवान की संतानें लेकर आहोत। तो हेड ऑफ द फैमिली भगवान है और हम उनके परिवार के सदस्य हैं, और पृथ्वी पर जितने भी हैं वे सभी हमारे भाई बहने हैं। अरे अरे सारे पृथ्वी पर के, ये उच्च विचार है और भगवान का भी ऐसा ही विचार है। द कॉमन ब्रदरहुड, ओके। तो हुआ जब ऐसा विचार नहीं होता तो सब झगड़े रगड़े, गाली गलौज, फाइटिंग, क्वारल, वॉर्स इसी के कारण होते रहते हैं। और ये कलयुग का लक्षण है। तो एक युद्ध, एनीवे
1914 में हुआ वर्ल्ड वॉर, वैसे तो वॉर कहो लड़ाइया कहो मारा मारी, हे दिस दैट, ये तो दिस इज अ डेली ऑफ नॉट डेली लेकिन हर क्षण इस पृथ्वी पर होते ही रहता है, ईर्ष्या द्वेष एंड अपना पराया और मी टू हे माज हे तुज गेट आउट ऑफ हियर। फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक होता रहा। ओके, ये एक बात है, ये कलयुग में अयम निजः परो वेत्ति घन लघु चैतसाम, जो लो थिंकिंग है, नीच, जो तमोगुण से प्रभावित या रजगुण के प्रभावित जो भाव विचार क्रिया, वैसे ये युद्ध और झगड़े डिफरेंसेस होते ही रहते हैं। अब एक दूसरा एक प्रश्न उठाने हैव टू गो फास्टर। महाभारत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यह विश्वयुद्ध था कि नहीं, विश्वयुद्ध था कि नहीं महाभारत का? महाभारत में तो 18 अक्षौहिणी डिवीजन सेना, पूरे पृथ्वी के राजा, कुछ पांडवों के पक्ष में, दूसरे कौरवों के पक्ष में, लेकिन सारा विश्व उसमें जुड़ा हुआ था। निश्चित ही वो विश्व युद्ध था। और कब हुआ? 3067 वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 3067 ईयर्स बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब लगभग 5000 वर्ष पूर्व, तो अभी अभी युद्ध हुआ, विश्व युद्ध। 20वीं शताब्दी में दो युद्ध हुए, एक को कहते हैं पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरे को सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। लेकिन ये व्हाट अबाउट ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये पहला होना चाहिए था ना? फिर जिसको आप पहला कहते हो दूसरा, और जिसको दूसरा कहते हो तीसरे क्रमांक का हुआ। अरे अरे, सो दिस अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है महाभारत। अब क्या कहना, महाभारत इतिहास है, इस संसार के दो इतिहास प्रसिद्ध है, एक रामायण वो इतिहास है जिसके रचयिता वाल्मीकि है, और दूसरा इतिहास है महाभारत जिसके रचयिता श्रील व्यासदेव है। ये इतिहास इति इति ह आस, ऐसे सो इट हैपन्ड, ऐसे हुआ, ये घटित घटनाएं है। किंतु क्या संभावना है, ब्रिटिशर्स आए, द क्रिश्चियंस आए हैं, और उन्होंने इन इतिहासों को और इस इतिहास में जिन घटनाओं का वर्णन हुआ है उसको मिथ या माइथोलॉजी कहना शुरू किया। दिस इज माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, मिथ मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी। और फिर हम धीरे धीरे हमारा ब्रेन वॉशिंग हुआ भारतीयों का, और हम भी यस यस माइथोलॉजी माइथोलॉजी, हम लोग मुंडी हिलाने लगे नंदी बैल जैसे, यस यस माइथोलॉजी।
यह भी आज तक चल रहा है, सो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। हरे कृष्णा। अब क्या कहा जाए। तो ये विदेश के लोग या कुछ हमारे भारतीय भी तो कुछ कम नहीं है, माइथोलॉजी माइथोलॉजी कहने वाले इनको प्रभुपाद का दीज आर डॉक्टर डॉक्टर फ्रॉग, ये तो मेढक है, कुप कुप मंडुक वृत्ति, कुएं में रहने वाला मेढक। इसका पैसिफिक महासागर का एक आया मेढक, तो कुएं वाला मेढक पूछ, ऐ तुम्हारा पैसिफिक महासागर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ये फ्रॉग मेढक अपना पेट फुला के कहा, इतना बड़ा है क्या? नो नो मच बिगर, व्हाट अबाउट दिस मच, ये मोर बिगर बिगर, और ऐसा करते करते वो मेढक का पेट ही फट गया। ही कुड नॉट, वो कैसे समझेगा कुएं में रहने वाला मेढक पैसिफिक महासागर के आकार को गहराई को। तो इस कली युग के कुछ जन है, फिर पाश्चात्य देश के भी जन है, और उनकी नकल करने वाले इस देश के भी लोग है। सो दे आर लाइक अ डॉक्टर फ्रॉग या कुप मंडुक प्रति। मैं लॉस एंजलिस में था, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, तो लॉस एंजलिस शहर का एनिवर्सरी मना रहे थे, तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, कितना पुराना है तुम्हारा लॉस एंजलिस? तो उन्होंने कहा, ओह आवर लॉस एंजलिस इज वेरी ओल्ड सिटी। तो उसको ओल्ड ऐसे खींच के मुझे ये मुझ पर प्रभाव डालना चाह, मतलब बहुत बहुत पुराना है। तो मैंने पूछा, हाउ ओल्ड इज योर लॉस एंजलिस, कितना पुराना है? उन्होंने कहा, 200 ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है? तो उनकी समझ में 200 वर्ष मतलब बहुत पुराना हो गया। जय श्री राम। तो हमारे राम अभी अभी आए थे, लेकिन कितने वर्ष पूर्व? लगभग 10,00,000 वर्ष पूर्व श्री राम, संभवामी युगे युगे। फिर अयोध्या कितनी पुरानी है? या कम से कम 10,00,000 वर्ष पुरानी है अयोध्या धाम के। तो ये हिस्ट्री को, इतिहास को फिक्स करना होगा। तो जो काल की गणना है, they have got it wrong। तो जो क्रिश्चियन थियोलॉजी जिसको कहते हैं, उनके अनुसार ये संसार की सृष्टि बिफोर क्राइस्ट कुछ 4,000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के पूर्व 4,000 वर्ष पूर्व हुई, और भगवान ने 7 दिनों में सृष्टि की, और 7वें दिन सृष्टि पूरी हुई तो भगवान ने विश्राम किया, ही टुक रेस्ट। तो उसी के साथ सारा पाश्चात्य जगत भी संडे को रेस्ट करता है, कि गॉड टुक रेस्ट, भगवान ने विश्राम किया 7वें दिन, तो चलो वी ऑल्सो विल टेक रेस्ट, छुट्टी का दिन बना लिया। तो हुआ, तो इनको कोई क्लू नहीं है ये सृष्टि
कितनी पुरानी है और किसने, कौन है क्रिएटर, कौन है ऑपरेटर, कौन है डिस्ट्रॉयर, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग, कई सारी बातें हैं। अब प्रातः का प्रारंभ में एक सेल का जीव था, इसको अमीबा कहते हैं, अमीबा अमीबा था। फिर उसमें विकास होता गया तो उनको पता नहीं है कि वो पहले तो विठोबा है, नॉट अमीबा, विठोबा। और उन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया और ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य वे संभालते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा की लाइफ 100 वर्षों की होती है। अरी अरी, और ब्रह्मा का एक दिन ही, अब क्या ये सब नहीं कह सकता मैं। सहस्र युग पर्यंतम, 1000 महायुगों का ब्रह्मा का 12 घंटे होते हैं, और 1000 फिर रात और दिन हुआ। वैसे कलियुग ही 4 लाख, कलियुग ही 4,32,000 वर्षों का होता है, उसके दुगुना होता है द्वापर, तिगुना होता है त्रेतायुग, चौगुना होता है सत्ययुग, और इन 4 युगों को मिला के उसको महायुग कहते हैं। ऐसे 2000 महायुगों से ब्रह्मा का एक दिन और एक रात हुई, मल्टीप्लाइड बाय 7 × 7 तो 1 सप्ताह हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 1 महीना हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 1 वर्ष हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ब्रह्मा का 1 लाइफ टाइम हुआ। और इतने ये जो लाइफ टाइम है, ब्रह्मा का लाइफ टाइम, ये महाविष्णु के 1 सांस के बराबर है। महाविष्णु के उच्छ्वास के साथ, महाविष्णु के उच्छ्वास के साथ, आप देख रहे हैं ना, महाविष्णु के उच्छ्वास के साथ कई ब्रह्मांड या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण कन्हैया लाल की, और फिर भगवान जब सांस लेते, श्वासोच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास, भगवान जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनमें प्रवेश करते हैं। और भगवान कितनी बार सांस लेते हैं, लेते ही रहते हैं। तो सृष्टि कई बार होती है। ये जो काल की गणना और काल का जो समय है, इसको कालोस्मी भगवान, मैं काल हूं, ये समझ, ये भगवान ने दी इसकी समझ या शिक्षा, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में उल्लेख है, भागवत पुराण में इसकी चर्चा हुई है। और सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत तो गीता, भागवत और अन्य पुराण, वेद ही है, जिसको राजविद्या, राजविद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम कृष्ण का है, दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज। इसको पराविद्या और अपराविद्या, तो दुनिया तो अपराविद्या या जड़ विद्या में तल्लीन है, जड़ विद्या। अरे अरे, और चेतना की विद्या, स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये तो
गीता भागवत से ही हम सीख सकते समझ सकते वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः। कृष्ण कहे भी मुझे जानने के लिए वेद है। ओके तो अन्य अन्य जो धर्म उत्पन्न हुए हैं उनकी सृष्टि हुई है उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ है और उन धर्मों का बस एक या दो या अधिकतर एक एक ही ग्रंथ होता है या शास्त्र होता है द बाइबल द कुरान और उसका वो या पाश्चात्य देश में अंग्रेजी द बुक ऑफ रिलीजन द बुक ऑफ रिलीजन हमारे रिलीजन धर्म का द बुक दी बुक ग्रंथ तो उनका द बुक ए बुक लेकिन हमारा क्या है लाइब्रेरी ऑफ द रिलीजन हमारा तो ग्रंथालय है ग्रंथ का भंडार है। फिर आ गए 13वीं शताब्दी में 1202 AD में इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए जिनका चित्र तो हम दिखा रहे हैं एक खिलजी आई थिंक या और क्या मिडल ईस्ट मुस्लिम जगत के इन्होंने आकर नालंदा विश्वविद्यालय को लगाई आग। इनकी सोच भी है जब हमारा ये द बुक ऑफ आवर रिलीजन कुरान जब है तो अन्य ग्रंथों की क्या आवश्यकता है या अयम निजह पर ये पराये हैं हिंदू उनको खत्म करो ये विचार नीच विचार। तो आए उन्होंने जलाया 4 महीनों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था। हरी हरी वैदिक वाङ्मय कई ब्रांचेस शाखा उपशाखा श्रुति स्मृति पुराण आदि इसका कोई अंत ही नहीं है। ये सब जलाने का प्रयास रहा तो ये विश्व का सबसे महान विश्वविद्यालय रहा जिसकी स्थापना 700 साल बिफोर क्राइस्ट हुई थी जहाँ 1100 विद्यार्थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग 60 विषय सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ा करते थे और इसी के साथ एक समय समझ थी कि ये भारत है विश्व का गुरु विश्व गुरु भारत माता के विश्व गुरु और सारे संसार भर के जन लोग विद्वान फॉर हायर स्टडी भारत आया करते थे और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में पढ़ा करते थे। दुर्दैव से हम अभी फॉर हायर एंड ओवरसीज एजुकेशन हम आप भी संभव है अपने पुत्र पुत्रियों को विदेश भेज रहे हो दैट इज नॉट हायर दैट्स अ लोअर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो गीता भागवत वेद पुराण दिस इज हायर ये परा विद्या है किंतु कलयुग में
उल्टा पलटा, उल्टा सुलटा, अपसाइड डाउन, ये कली का लक्षण भी है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वाणी कहते तो हम अंधेरे में है। कली, कली मतलब अंधेरा, अंधेरा कहाँ, अज्ञान का अंधेरा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं मायर अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया टिक नहीं सकती, जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। तो एक समय ये विश्वगुरु भारत और इस भारत के भारत भा भा मतलब प्रकाश, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब तल्लीन, ये भारत इस नाम से भी हमको समझना चाहिए। भारत भास्कर, हाँ भास्कर, सूर्य को भास्कर, भा करने वाला, प्रकाश देने वाला, जिनसे किरणें उत्पन्न होती है वो भास्कर। तो कृष्ण ही वैसे ओरिजिनल भास्कर, कोटि सूर्य सम प्रभा, भगवान से ही कोटि सूर्य सम प्रभा, बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल, चैतन्य महाप्रभु के उनके मुखारविंद से बहु कोटि चंद्र की आभा उत्पन्न होती। और भाई ज्योति शास्त्रों से भी हम प्राप्त करते हैं ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की ज्योति। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे और वैसे हमारे तुम्हारे का प्रश्न भी होता नहीं है। हम यह पुनः द्वंद्व की बात करें, ओ हम भारतीय है, वी आर इंडियंस, यू आर वेस्टर्नर्स, हम देसी है, तुम परदेशी हो, ये सोच भी ठीक नहीं है। लेकिन खूब चलता रहता है इस कलयुग में, हम भी वो भाषा फिर बोलने लगते हैं। तो यह जो ज्ञान भगवान ने उपलब्ध कराया, वैसे भारत मतलब इंडिया नहीं है। आजकल की जो इंडिया जिसको हम कहते हैं वो दैट्स नॉट भारत। भारत मतलब सारे पृथ्वी को भारत कहाँ है। हमारे राजा परीक्षित या युधिष्ठिर महाराज, उनकी राजधानी हस्तिनापुर, उनके शास्त्रों में पृथ्वीपति कहा है। और हे भारत अर्जुन को भारत कहाँ है, भारत मतलब सारे पृथ्वी पर के जो जन लोग वे सभी भारतीय हुआ करते थे। दिस इज द प्रॉब्लम, कलयुग में कली टुकड़े कर देता है, विभाजन कर देता है। तो वह तो गीता भागवत ये हिंदू के लिए नहीं है। भगवान गीता कहते कहते फॉर हिंदूज ओनली, सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय प्रांगण में विराजमान हूँ भगवान ने कहा। तो वहाँ भगवान ने दिस अप्लाइज ओनली टू द इंडियंस एंड हिंदूज, नो, सभी जीवों को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम। और ये हिंदू मुसलमान ईसाई दिस वन दैट वन, ये अभी अभी की बात है। ये भाषा केवल पिछले 2500 वर्षों से बोली जा रही है।
सारा संसार एक ही था, भारत, और ये सारे शास्त्र, गीता, भागवत, पुराण, वेद सभी मनुष्यों के लिए, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये शास्त्र भी तो है, तो शास्त्र जैसे सभी के लिए एक ही होता है, केमिस्ट्री है, H2O, okay, H2O, two parts of hydrogen, one part of oxygen, फिर catalyst हो, KLMNO4, फिर क्या बनेगा, water production होगा। तो ये जो formula, ये सूत्र है, इसको शास्त्र कहते हैं। So this is same, ये साइंस, अमेरिकन साइंस, यूरोपियन साइंस, इंडियन, ऐसा नहीं, साइंस तो साइंस इज साइंस। तो समस्या तो ये है कि गीता भागवत को हम इदम शास्त्रम प्रमाणम ते, कृष्ण कहे गीता को शास्त्र कहे। साइंस तो ओरिजिनल साइंस तो गीता भागवत वेद पुराण, ये शास्त्र है, शास्त्र है मतलब साइंस है। साइंस इज फॉर एवरीबॉडी, साइंस सभी के लिए है। साइंस केवल हिंदुओं के लिए, या उनके पास भी कोई साइंस है, कुरानों में या बाइबल में भी साइंस है, तो दैट स्क्रिप्चर इज आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। और ये ग्रंथ भी सभी संसार के जीवों के लिए है। और आप निवेद, और संसार भर में इन्हीं गीता भागवत का वितरण, एनीवे क्या कहा जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसके संस्थापक आचार्य है। हम लोग गीता भागवत इन ग्रंथों का भाषांतर लगभग 100 भाषाओं में किए हैं, और उन उन देशों में उन देशों के लोग इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में, मिलियंस ऑफ बुक्स गीता भागवत का वितरण सारे पृथ्वी पर हो रहा है। राइट नाउ ये जो गीता जयंती अभी अभी हुई, पिछले मोक्षदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी के दिन, तो इस्कॉन के फॉलोवर्स जिनकी संख्या करोड़ों में है संसार भर में, अब ये सब जैसे तुकाराम महाराज ने भी कहा, बारंबार हम भी कहते, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन मिठो बाचे। तो सारा संसार पढ़ रहा है गीता भागवत को, ऐसी व्यवस्था इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ कर रहा है। And this is just the beginning. बहुत कुछ होना है। आपके जानकारी के, well, this is India की बात है। हम इस महीने में 60 लाख भगवत गीता का वितरण करने वाले हैं। This is just India. वैसी संख्या, वैसा ही नंबर आप इन यूरोप, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन रशिया, इन, ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो हमारे फॉलोवर्स जो सभी वैष्णव है या गौड़ी या वैष्णव है, ये सब धर्म प्रचारक बने हुए हैं, और
हरि नाम का वितरण कर रहे हैं सर्वत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सर्वत्र कीर्तन करते हैं इस महामंत्र का मृदंग और करताल के साथ, इसीलिए हम लोगों को संसार में कहा दीज आर हरे कृष्ण पीपल, ये हरे कृष्ण लोग है। ये हरे कृष्ण कीर्तन इतना प्रसिद्ध हुआ है संसार भर में, और इसी वेशभूषा के साथ धोती कुर्ता फॉर जेंटलमैन एंड साड़ी फॉर लेडीज, और तिलक कंठी माला सीखा एवरीथिंग। हमको शर्म आती है ये तिलक पहनना या फिर भगवान को नमस्कार करने का समय आता तो हम देखते हैं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, फिर झट से हम लोग माथा ठोकते या टेकते और आगे बढ़ते हैं ताकि हमें कोई देखे नहीं। ए देखो अंधश्रद्धालु, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक माइंडेड ओल्ड फैशन्ड। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में ये भी हमको पता नहीं है क्या क्या है, केवल पूजा पाठ के मंत्र, आरती के कुछ श्लोक ही नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथों में स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या, एग्रीकल्चर, मैकेनिक्स, टेक्सटाइल, आर्किटेक्ट, स्थापत्य शास्त्र, धनुर्विद्या, आयुर्विज्ञान, यू नेम इट, जियोग्राफी, सोलर एनर्जी, कम्युनिकेशंस, विमान विद्या, लॉजिस्टिक्स, आई एम जस्ट रीडिंग स्मॉल लिस्ट हियर। ये सब सब्जेक्ट मैटर्स ये वेदों में पुराणों में उपलब्ध है। साइंटिस्ट अभी अभी जन्मे हैं और कुछ पिछले 501 वर्षों से, उसके पहले सारा शास्त्र सारा साइंस संस्कृत भाषा में, इसकी रचना भगवान की रचना, भगवान के वैसे सांस के साथ ये सारी विद्या निश्रित होती रहती है, हुई है। इसीलिए इसको अपौरुषेय अपौरुषेय मतलब इस संसार के किसी पुरुष ने इसको नहीं कहा या नहीं लिखा। व्हाट इज द टाइम, ओके आई गो फॉरवर्ड फास्टर। हिंदी चीनी भाई भाई 1962 की बात है, आप थे क्या 1962 में? कौन कौन थे 1962 1962? क्या हुआ आपके हाथ नहीं है क्या? आप थे नहीं कि हाथ नहीं क्या? ओके ओके कुछ तो थे। तो हुआ उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान, चाइना के बीच में युद्ध हो रहा था। तो हम छोटे बच्चों से, स्कूल चिल्ड्रन से ये नारे लगवाए जा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि हिंदुस्तान इंडिया फ्रेंडली कंट्री है। तो ये सद्भावना जागृत हो, हम भाई भाई है, ताकि ये युद्ध का विचार हम छोड़ दे, वे भी छोड़ दे। वी आर अगेन वसुधैव कुटुंबकम है, ये
वसुधैव कुटुंबकम्। ये उच्च विचार है, हम भाई भाई है, तो हम ऐसे स्लोगन हम भी कहते जा रहे थे, लेकिन हम छोटे थे और फिर गांव गांव के भी थे, गांव वाले भी थे, तो हमको पता नहीं चल रहा था। हम कहते तो जा रहे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हिंदी मतलब भाषा और चीनी मतलब खाने की चीनी और भाई भाई, ये कैसे संभव है? द लैंग्वेज एंड द शुगर, वो क्या है? भाई भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, हम मतलब वो क्या 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 रहे हैं। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला कि हिंदी मतलब हिंदुस्तान के लोग और चीनी मतलब चाइनी चाइना के लोग, तो भी वो भाई भाई कैसे है ये भी समझ में नहीं आ रहा। दो व्यक्ति भाई भाई मतलब उनका पिता कॉमन एक ही पिता है दो लोगों का, तो फिर वो भाई भाई, तो वो पिता कॉमन फादर कौन है? जरा मोदी या और वहाँ के कोई राष्ट्रपति, इज ही कॉमन फादर चाइना के और हिंदुस्तान के इंडिया के सभी? तो स्टिल वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। जो हम और भी बड़े हुए, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद देखे, उनके चरणों में पहुँचे और जब भगवद गीता उनसे सुनी, हम समझ रहे थे अहम बीजः प्रदः पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मैं सभी जीवों का पिता फादर, आई एम द कॉमन फादर। सो दैट मेड द सेंस। तो फिर केवल हिंदी चीनी ही भाई भाई नहीं है, रशियन एंड यूक्रेनियंस भी क्या है? भाई भाई है। एंड रशियंस एंड अमेरिकन्स भी भाई भाई है। दिस इज अ फैक्ट, ये सत्य है। तो इस सत्य पर आधारित हम विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं। फिर वसुधैव कुटुंबकम संभव है, फिर शांति संभव है। ओके, तो इज दैट रेडी नाउ? वो जो कुछ कॉपी कर रहे थे, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है, तो वह प्रभुपाद वहाँ से जब आया जाया करते थे, जब न्यूयॉर्क में रहते थे 1965-66 की बात है, तो वे देखते कि झंडों की संख्या तो हर समय बढ़ रही है, अनादर फ्लैग, और एक झंडा और एक देश का झंडा। प्रभुपाद, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन इज दिस? दिस इज डिस यूनाइटेड नेशन, नॉट यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब वन फ्लैग। So God made the country. भगवान ने सृष्टि को बनाया, and man made the town. ऐसा कहते God made the country, man made the town. Man made the concrete jungle. पुणे यार, देखिए कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, फ्रेश एयर एंड जल और वृक्षावली और प्योर। तो हमने नीचे प्रश्न पूछा है, व्हाट डिड मैन डू? ओके, भगवान ने तो सृष्टि बनाई, व्हाट डिड मैन डू? तो उसका उत्तर ये, मैन मेड द मेस, सारी मेस जो संसार में सारा बिगाड़
सारा प्रदूषण, जल का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, एयर प्रदूषण, दैट प्रदूषण, फूड पॉल्यूशन, वैसे सबसे खतरनाक पॉल्यूशन तो विचारों का प्रदूषण। इसीलिए तो श्री प्रभुपाद 1977 में बंबई में प्रभुपाद उनका ये पब्लिक लेक्चर हुआ। उसके बाद प्रभुपाद फिर उनका वैकुंठ गमन हुआ उसी साल में। तो उस लास्ट लेक्चर सीरीज का टॉपिक प्रभुपाद, मैं भी वहाँ था। ऐसे विशाल पंडाल में श्रील प्रभुपाद, द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ टोटल फेल्यूर, ऐसा टॉपिक बनाए थे। आधुनिक सभ्यता ये पूरा पराजय, विनाशकारी या अपयशी है। हरे कृष्ण। ऐसे इसको सिविलाइजेशन कह भी नहीं सकते, वी आर अनसिविलाइज्ड। कलयुग में हम लोग असभ्य है, सभ्य नहीं है। सिविलाइज मतलब सभ्य, हमारा केवल नाम ही है जेंटलमैन, लेकिन वी आर वेरी रफ रफियंस। हमारे सारे हरी हरी टोटल फेल्यूर, मॉडर्न टोटल फेल्यूर। और प्रभुपाद और उसको सब टाइटल दिए थे, द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली सोल्यूशन, कृष्ण भावना, गीता भागवत का प्रचार प्रसार यही पर्याय बचा हुआ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फेल्यूर। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली सोल्यूशन। तो उस समय के चीफ मिनिस्टर SB चौहान, उन्होंने उस सेशन का उद्घाटन किया था आज़ाद मैदान नाम का मैदान में, क्रॉस मैदान के पास ये हुआ था प्रभुपाद प्रवचन करते हुए। We need a sound here, तो इस संसार में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, आपने शायद कभी सोचा। हाँ, what? दो प्रकार की, वो कौन से प्रकार है? तो एक को अंग्रेजी में agrarian economy और दूसरी है industrial economy। अर्थव्यवस्था जो खेती पर, कृषि गोरक्ष वाणिज्य पर आधारित जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, लैंड एंड द cow, जमीन और गाय और बैल, और दूसरी औद्योगिक विकास और उद्योग और अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार ये एग्रेरियन इकोनॉमी इज द राइट इकोनॉमी, लेकिन पाश्चात्य जगत ने ये एक प्रयोग किया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उद्योग, और इसके दुष्परिणाम संसार देख रहा है, भोग रहा है। अब जगने का समय आ चुका है। आपको थोड़ा सा सैंपल थोड़ा दिखाते हैं दोनों में भेद। यस, कुड यू हरी बोल। There is a mutual reciprocation between the farmer and his bulls that are peaceful by nature, obedient and friendly. Hmm.
The bull is gradually being replaced with the tractor. Some farmers nowadays play passionate cinema music to overpower the noise of the tractor. There is no more peace. One may argue that by using the tractor, the agricultural products increase in quantity. But at what cost? It's finished. और कहाँ कहाँ गए बैल? अब मैं जाता हूँ और गांव में भी और अरेवड़े गांव भी जाता हूँ तो हुआ क्या बैला सा पोहड़ा क्या बेंदुर बेंदुर बैल पोहड़ा बैल पोहड़ा तो बैल पोहड़ा मनाते थे सारे किसान अपना अपना बैल को सज धज के लाते थे और स्पर्धा भी होती थी कंपटीशन बड़े रुबाब के साथ हमारे अमची बैल जोड़ी हम और हर घर में बैल गाय दूध सब अब कहाँ गए बैल हो गए देयर आर ट्रैक्टर्स देयर बैल का पता नहीं मे बी देयर क्या कहा जाए Sending them to the slaughterhouses. Yeah, hari hari. Go, Mata ki. So, agrarian economy ke kendra mein hai, jameen, bhumi, aur gai, bail. Hari hari. तो लोग फ्रेश एयर फ्रेश एवरीथिंग सारा ताज़ा फ्रेश एयर फ्रेश वाटर फ्रेश वेजिटेबल्स सेंद्रीय खत अभी क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दिस वन एंड दैट वन तो हमारे गांव में हमारे मेरे गांव में और इस देश में लगभग 7,000 गांव थे और है भी उन सभी गांव में अधिकतर लोग सब समय स्वस्थ रहा करते थे मेरे गांव में आप भी गांव वाले हो आप में से कोई गांव के हो गांव में जन्म लिया आपने अच्छा आधे से अधिक 70% के काला दपन इकड़े जा परत इधर काय करता आमच्या गावामध्ये आरोडे सांगली जिल्हा तासगाव तालुका आणि तिथून 10 किलोमीटर दूर आरोडे नावाचं गाव या गाँव तो ओके उस गाँव में जिसकी आबादी 3-4 हज़ार लोगों की उस गाँव में एक बाइसिकल पर बैठ के दूसरे गांव से एक डॉक्टर आते थे हर बुधवार के दिन ये देखने के लिए कि कोई मरीज है तो कुछ इलाज हो तो ऐसा होता था कि कई बार उस बेचारे डॉक्टर को एक भी मरीज नहीं मिलता ऑल हेल्थी सब स्वस्थ परिश्रम भी करते पसीने बहाते व्यायाम नेचुरली एंड एवरीथिंग फ्रेश विचार भी सुविचार अच्छे विचार फिर समय आएगा धीरे धीरे सब बिगाड़ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड ट्रैक्टर्स एंड फैक्ट्रीज एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दिस एंड दैट रेडियो एंड सिनेमा एंड देन फाइनली इंटरनेट तो अब फिर एक डिस्पेंसरी बनाई गई
डॉक्टर आए, छोटा सा अस्पताल खुल गया, लोग आए, तो मेडिकल ऑफिसर आए, उन्होंने रिबन कटिंग किया, तो लोगों ने ताली बजाई, हमारे गांव में भी क्वेश्चन, हम सबको इस पर विचार करना है। वेयर एट द क्रॉस रोड को कहते हैं, आगे बढ़ने से पहले वी शुड बी थिंकिंग ट्वाइस। तो ये बुमरैंग इफेक्ट देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट वन कैसे गिराता है, पुनः कुछ एडजस्टमेंट करता है मॉडर्न मैन। दिस इज, ये हो रहा है, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन डे एंड नाइट। वी आर बीइंग डिफीटेड, हम लोग पुनः कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के साथ उसको फाइट करना चाहते हैं। ओके, तो कई सारे पॉल्यूशंस आ गए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पॉल्यूशन, माइंड पॉल्यूशन ऑफ कोर्स, और फिर आ गया लेटेस्ट कंट्रोल। स्पष्ट कहे हैं गीता के द्वितीय अध्याय में, आप जिसका भी ध्यान करोगे, ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करोगे, इंद्रियों के होते, इंद्रियों के होते विषय, सेंस के ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका ध्यान करने से संगहति इशु, उसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं, उस आसक्ति के साथ काम वासना उत्पन्न होती है। काम 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 काम, या पाप पाप के लिए प्रेरित किया जाता है। तो करा महाराज तो कहे, पापाची वासना नको दाऊ डोला त्या होनी आंधळा बराचमी, पापाची वासना नको नको दाऊ डोला। लेकिन हम पाप वासना को, काम वासना को जागृत करते रहते हैं, इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हुए, और कामात क्रोध हो भी जायते, और काम की तृप्ति जब नहीं होती है, होती ये नहीं है, तो फिर क्या, कामात क्रोध हो भी, क्रोध हो, क्रोध आता है, और ये तो क्रोध का प्रदर्शन हम घर में, गांव में, एक स्टेट दूसरा स्टेट, एक कंट्री अनदर कंट्री, वन रिलीजन अनदर, ये जो कामात क्रोध हो भी जायते, हम क्रोध सर्वत्र, क्रोध का प्रदर्शन, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध के साथ हम अधिक सम्मोहित, मोहित होते हैं, उसी के साथ बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारा विनाश होता है, विनाश होता है, हमारा विकास नहीं हो रहा, हम विनाश कर रहे हैं हम लोग। तथा कथित इस मॉडर्न सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट एंड इंडस्ट्री, वी आर गोइंग टू द मून, हमारा अधपतन हो रहा है, हम चरित्रहीन बन रहे हैं। यस, हरी हरी। किंतु हम विषयों का ध्यान करने के बजाय, सुंदर ते ध्यान उभे बीटे वरी करकटा वरी ठे मुनिया, तो भगवान का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, और वो प्रेम हमको क्या देगा, द
ददामि बुद्धि योगम। प्रेम या प्रेमयी सेवा करेंगे तो भगवान ने वादा किया भगवद गीता में, कह ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो संसार के विषयों का ध्यान करने वालों को भगवान ऐसे दुर्बुद्धि दे दे। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की सेवा में रत है, उनको भगवान बुद्धि ददामि बुद्धि योगम। किस लिए बुद्धि? येन माम उपयान्ति ते, ताकि वे मेरी ओर वे आ जाए, वे वैकुंठ आ जाए। उस बुद्धि का उपयोग वैकुंठ जाने के लिए। और इस संसार की जो तथाकथित बुद्धि या बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो हम नरक की ओर, काम क्रोध लोभ, ये नरक के तीन द्वार भी भगवान ने बताए हैं। हमें जाना है वैकुंठ, वैकुंठ धाम के, वो वैकुंठ के पंडरपुर धाम के, श्री श्री विठल रुक्मिणी के। तो ऐसे कई सारी समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग हमने कर दिया है, जिसके गोद में हम पलते हैं, ये धरती माता, पृथ्वी माता, भारत माता, इसका ग्लोबल वार्मिंग हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हरी हरी। तो माँ ही जब अस्वस्थ हुई तो हम उनके अपत्य कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? वनों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन सर्वत्र हो रहा है। और दे सेट अप द फैक्ट्री, सेट अप दिस इंडस्ट्री, दिस अमेजॉन, अमेजॉन नाम का साउथ अमेरिका में पृथ्वी पर सबसे अधिक बड़ा वन फॉरेस्ट, तो अमेजॉन फॉरेस्ट, वो अमेजॉन नदी भी है और वो अमेजॉन फॉरेस्ट। ऐसी समझ है कि पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वृक्षों से, वनस्पतियों से, उसमें से 20% ऑफ द ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन तो इस अमेजॉन फॉरेस्ट से प्राप्त होता है मनुष्यों को, पूरे मानव जाति को। तो उसको हम काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, क्या होगा? हमारा गला घुटने वाला है ऑक्सीजन के बिना। प्राण वायु के स्रोत, सोर्स को भी हम इसका विनाश कर रहे हैं। पशु वध का तो क्या कहना। हरी हरी। इनक्लूड मीट ईटिंग बहुत बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग भारत, आपको पता नहीं होगा, बिग बोट्स, बड़ी बड़ी बोट भर भर के हम मांस मिडल ईस्ट भेजते हैं, और मिडल ईस्ट से इन एक्सचेंज वी गेट द पेट्रोल। हमारा ये मांस आप ले लो, आप हमें पेट्रोल दे दो। भारत एक्सपोर्ट करता है मीट, इंक्लूडिंग क्या कहा जाए, कहना भी नहीं चाहिए, बीफ मतलब गाय का। हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं तो इसी समय हजारों इफ नॉट लाखों गायों की, पशुओं की हत्या हमारे देश में हो रही है। और फिर हम शांति चाहते हैं, अब तो नहीं, और मैं भी 10-20-25 वर्ष पूर्व की बात होगी तो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी,
कि हमारे जो स्लॉटर हाउसेस कत्ल खाने हैं उसमें जो ब्लेड्स है काटने के वो ठीक नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, दे आर नॉट शार्प ब्लेड्स, इसके कारण पशुओं को काटते काटते कुछ देर लगती है तो उसके कारण बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है पशुओं को, तो क्या किया जाए, व्हाट टू डू, ऐसा चर्चा हो रही थी तो पता नहीं, यू विल बी सरप्राइज, पता है पार्लियामेंट ने क्या डिसीजन लिया, वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर स्लॉटर हाउसेस, हमारे स्लॉटर हाउसेस का आधुनिकीकरण करना चाहिए, वी शुड गेट ब्लेड्स फ्रॉम आयरलैंड ताकि कट छक 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 हम पशु को काट सकते हैं, उनको कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, ऐसी दया दिखाई उन सांसदों ने, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उनको दया आई, क्या ये दया है, ये क्रूरता है। तो भारत के इस संसद भवन में इस प्रकार वी आर टू बिकम मॉडर्न, मॉडर्नाइजिंग द स्लॉटर हाउसेस। कृष्णा, मैं जीव हूं, मांस नहीं हूं, पशु भी कहेगा मैं भी तो आत्मा हूं, मैं मांस का टुकड़ा नहीं हूं। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज चल रहे हैं और इसी का परिणाम ही कोरोना वायरस और भी कई सारे रोग बढ़ रहे हैं। एनीवे, ये हुआ कि जब कोरोना वायरस हुआ तो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन याद है, लॉकडाउन तो वी आर ऑल लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस के पहले आप देखिए उस इलस्ट्रेशन को, बड़ा मज़ेदार है। तो पहले पशु इत्यादि पिंजड़े में या प्राणी संग्रहालय जू में हम लोग देखने जाते थे, एंड देवर लॉक्ड बिहाइंड पशु बिहाइंड द बार्स। और फिर जब कोरोना वायरस आया तो हमारे रोल चेंज हुए, वी वर लॉक्ड डाउन बिहाइंड द बार्स और पशु पक्षी मजा उड़ा रहे थे, दे उड़ान भर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग, दे हैड अ गुड टाइम। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जिसको कहते हैं। तो वह और फिर भोग, हम अधिक अधिक भोगी बन रहे हैं, भोगी बन रहे हैं संसार भर में, किंतु ये हम याद नहीं रखते, भोग से होते हैं रोग, भोग से होते हैं रोग। You enjoy and then suffer. ये law of karma भी कहते हैं, भोग का ही परिणाम रोग होता है। Enjoy, सारे commercials हमको प्रेरित करते, इसको shopping, anyway क्या कहा जाए, छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे, कम से काम बनता था, लेकिन अभी हमने महादुकान और अपना बाजार और धीरे धीरे सुपर बाजार, अभी हाइपर बाजार एंड व्हाट नॉट, और उन भोगों से होते हैं रोग। अमेरिका हैज़ बिकम द मोस्ट सिक नेशन इन द वर्ल्ड, सारे संसार में सबसे अधिक बीमार देश अमेरिका बन चुका है, क्योंकि अमेरिका द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी,
सबसे अधिक भोगी देश, नंबर वन भोगी देश अमेरिका है, तो फिर नंबर वन रोगी देश अमेरिका ही होना चाहिए। अमेरिकन सब समय नंबर वन होना चाहते हैं, तो जहाँ तक रोगों की बात है, बीमारियों की बात, दे आर नंबर वन सिक नेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारे लालच और लोभ का नीड, महात्मा गांधी भी कहे नीड इज, नीड ठीक है लेकिन ग्रीड ठीक नहीं है। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो ठीक है, लेकिन आप जब लोभी बनते हो और अधिक अधिक जो भी सामग्री है, ये दिस वन दैट वन, हम उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है, ये ग्रीड खतरनाक है, लालच का ही परिणाम है। एक सर्वे हुआ, तो सर्वे के अनुसार नेक्स्ट वन द फाइव अर्थ्स, हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई लिविंग, लो थिंकिंग हाई लिविंग ऐसा चल रहा है आजकल, नॉट सिंपल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उल्टा हो रहा है। लिविंग कैसा, हाई लिविंग, थिंकिंग लो थिंकिंग या नो थिंकिंग, इसी लोग आजकल थम्स अप ऐसा टी शर्ट वगैरह पहन के घूमते रहते, थम्स अप मतलब जस्ट डू इट लिखा भी होता है, जस्ट डू इट मतलब डू नॉट इवन थिंक, सोचना भी नहीं, पहले करो बाद में देखा जाओ, किसने देखा है, जस्ट डू इट, ये लो थिंकिंग है। तो हाई लिविंग, तो हम सब का लिविंग स्टैंडर्ड यदि अमेरिका जैसा है, मान लो यूरोप अमेरिका जैसा, सभी पृथ्वी के सारे संसार के सभी देशों का स्टैंडर्ड यदि अमेरिका जैसा हम बनाना चाहेंगे, तो एक पृथ्वी से काम नहीं बनेगा, एक पृथ्वी से जो रिसोर्सेस है, साधन सामग्री, उसे काम नहीं बनेगा। कितने पृथ्वियों की आवश्यकता है, फाइव अर्थ्स, पांच पृथ्वियों की आवश्यकता है। जो पांच पृथ्वी तो मिलने वाली नहीं है नहीं, इसीलिए हम लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे, रूस यूक्रेन भाई भाई अरी अरी। तो अब इस्कॉन ने मायापुर धाम के हमारा हेडक्वार्टर है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, जो वृंदावन जैसा ही है, उसी को हेडक्वार्टर हम लोग बना रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया में आपस में लड़ाई चल रही है, हरी हरी, किंतु यूक्रेन में जो हरे कृष्ण भक्त है, रशिया में हरे कृष्ण भक्त है, वे लड़ते नहीं है, और लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भक्त बनते हैं, राम भक्त बनते हैं, विठोबा भक्त बनते हैं, हम लड़ते नहीं, क्योंकि हमारा विचार होता है वसुधैव कुटुंबकम, यूक्रेनियन रशियन भाई भाई, और ऐसा भाईचारा तो सारे पृथ्वी पर संभव है यदि हम भगवान की शरण में आते हैं और भगवान को अपने परमपिता के रूप में स्वीकार करते हैं। विठु माझाले कुरवाळा संगे गोपाळांचा मेळा, इस गीत और भाव के साथ वैसे ये वसुधैव कुटुंबकम संभव है। हरी हरी, आई विल स्टॉप हियर, तो धन्यवाद आप सभी का, आप शांति से सोए तो नहीं रहते ना।
झोपला तर नाही ना? हरे कृष्ण, धन्यवाद. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की. हरे कृष्णा. तो बीच में बहुत सारी चेयर्स खाली दिख रही हैं, पीछे बहुत लोग खड़े हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर बीच में आप आ सकते हैं, बैठ जाइए. प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई बीच में नहीं उठेंगे. खत्म, आई मीन खत्म का तो प्रश्न ही नहीं, क्यों कह रहे हैं? कल ही हमने अनाउंस किया है कि आज का कार्यक्रम कब तक चलने वाला है. हरि बोल. मध्य रात्रि तक कार्यक्रम चलेगा. और बहुत सारे भक्तों से भी निवेदन है, आप सामने भी बैठ सकते हैं. यहाँ पर अभी धुआंधार नृत्य कीर्तन इत्यादि होगा. तो महाराज जी बहुत ही महाराज वेरी स्पेशल आज प्रेजेंटेशन. महाराज जी बहुत ही करुण हृदय से, एकदम जड़ हृदय से आज विशेष, आज का जो विषय था वो वसुधैव कुटुंबकम. सारा विश्व ही किस प्रकार से भाईचारे से रह सकता है, क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं के ऊपर उन समस्याओं का निर्मूलन कैसे होगा, इसके बारे में भी महाराज जी ने बताया. प्रभुपाद जी का उदाहरण देके महाराज जी ने कहा कि प्रभुपाद जी कहते थे कि समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी हैं, हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, लेकिन उपाय जो है वो केवल कृष्ण भावनामृत. जैसे महाराज जी ने अभी अभी उदाहरण दिया ये लेटेस्ट रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वे लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते हैं, वो बड़े प्रेम से सौहार्द के साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. हम तीन बार हरि बोल बोल के महाराज जी को धन्यवाद देंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. यहाँ पर एक विशेष अतिथि हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, बीवी जी ग्रुप के प्रचलित प्रसिद्ध बीवी जी ग्रुप है. इस ग्रुप के चेयरपर्सन, चेयरमैन या फाउंडर, संस्थापक हनुमंतराव जी रामदास जी गायकवाड़ साहब यहाँ पर उपस्थित हैं. मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे, महाराज जी को धन्यवाद देंगे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. साथ ही साथ मैं एक विशेष खुशखबर आप लोगों को देना चाहता हूँ. महाराज जी के द्वारा हम भजन कीर्तन महामंत्र सुनते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों को? जोरदार. और भी बढ़ सकता है. तो खुशखबर यह है कि महाराज जी ने हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर युगल अष्टक नामक एक अष्टकम है, वो महाराज जी ने अपने सुमधुर आवाज में उसको रिकॉर्ड किया है और जिसको हम आज यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं. हरि बोल. महाराज जी का विशेष भजन. तो मैं निवेदन करता हूं यदि वो आरंभ है, यदि वो तैयार है तो तुरंत यहां पर चालू करेंगे. हरे कृष्णा. उसके पश्चात हम लोगों के मध्य इष्ट देव हरि बोल इसको सुनते हैं, फिर आगे की सूचनाएं देंगे. शांति बनाए रखे, बैठिए अपने अपने स्थान पे, इसका श्रवण कीजिए. कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि. कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णो गतिर्मम. Thank you.
कृष्णश द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरिः कृष्णस्य द्रविणं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम हरि बोल। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। महाराज जी का महाराज जी के शिष्यों द्वारा संचालित लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अभी कुछ ही दिनों में ये लॉन्च होने वाला है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जब बाहर जाएंगे तो स्टॉल भी लगा हुआ है, बोर्ड लगे हैं, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाहर स्कैन भी कर सकते हैं, सारी व्यवस्था है। तो आप उसके ऊपर महाराज जी की ये जो कथा चल रही है, ये संपूर्ण कथा उस चैनल पर आपको मिलेगी, जिसका आप वारंवार आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कर सकते हैं हमारे साथ जी महाराज, हमारे साथ जब भी कर सकते हैं हर रोज, वो भी थोड़ा महाराज जी का महाराज जी मेक श्योर ही हैज ऑल द डिटेल्स पद्माली, या तुम भी कह सकते हो क्विकली। तो हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिवस सुबह महाराज जी सुबह 5:30 से 7:30 तक सभी के साथ पूरे विश्व के लगभग 3,000 से 4,000 भक्त या शिष्य जुड़ते हैं देश विदेश से, और प्रत्येक सुबह महाराज जी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और जो आप ये 7 दिवस कथा सुन रहे हैं, वैसी संक्षिप्त में कुछ जिसे हम अंग्रेजी में टॉक कहते हैं या जपा टॉक कहते हैं, तो वैसी टॉक्स भी होती है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। वो जानकारी भी जब आप बाहर मेन एग्जिट से निकलेंगे तो आप वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हाउ टू जॉइन, यू कुड टेल क्विकली हाउ टू जॉइन, कौन सा फोरम, व्हाट? तो जूम एप्लीकेशन है जो आपके सभी के पास स्मार्टफोन है। दे कुड डिस्प्ले द नंबर्स ऐसा कुछ क्विकली जी, विल गेट इट डिस्प्लेड। सो कुछ समय में ये स्क्रीन पे आपको जूम आईडीज जिसे बोलते हैं, एक नंबर होता है, वो डिस्प्ले किया जाएगा। और हमारे वॉलंटियर्स भी पीछे है और यहाँ भी आपको कुछ मार्गदर्शन दिया जाएगा। सिंपल है, जूम एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके उसमें लॉगिन डिटेल्स मांगेगा, तो नंबर जो डिस्प्ले किया जाएगा वो लॉगिन नंबर है या लॉगिन आईडी बोलते हैं, जूम आईडी, और उसका पासकोड है, तो वो सभी जानकारी डिस्प्ले की जाएगी, तो आप उसके हिसाब से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और गुरुमा जी का संग प्रत्येक दिवस सुबह आप 5:30 बजे प्रातःकालीन समय में गुरुमा जी के साथ आप जप कर सकते हैं और हरि कथा का भी आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारे श्री राधा वृंदावन चंद्र प्रभु जी उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ा नाट्य महानाट्य बालाजी के ऊपर, एक बहुत बड़ा 3 मंजिला ऐसा एक विशाल भव्य दिव्य ऐसा महानाट्य निकटवर्ती भविष्य में होने वाला है, उसकी डिटेल माहिती हमारे राधा वृंदावन चंद्र प्रभु यहाँ पर आपको 1-2 मिनट में देंगे। एक वीडियो है वहाँ पर, वो आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा चालू करेंगे। ये महानाट्य के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप चलाइए। रेडी, चालू कीजिए। हरे कृष्णा।
इसमें लगभग 4 से 5 मंजिलें हैं और इसमें शिवलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर अपना वैकुंठ लोक, बालाजी मंदिर और ऐसे अन्य कई चीज़ें दिख रहे हैं। अभी एक छोटा सा वीडियो दिखेगा, उसमें आपको एक झलक दिख जाएगी, उसके बाद मैं 1-2 मिनट और आपका लूँगा। अलग ग्राउंड पे और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी रोज की रोज 7,000 लोग इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसकी टिकट्स जो है ये बिल्कुल आपके जस्ट आप पीछे जाएंगे तो बुक स्टॉल है पदयात्रा का, तो बस वहीं पे उसके टिकट्स अवेलेबल है। तो अलग अलग दरों के टिकट है, आप वहाँ पे जाके ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो और सबसे विशेष चीज़ इसकी है, इसकी यह है कि इसकी जो भी धनराशि है उसका हम एक बहुत बड़ा अंश जो है वो भू वैकुंठ प्रोजेक्ट जो है, जो लोकनाथ स्वामी महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए अर्पण करने वाले हैं। तो सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि आप कृपया करके इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए आइए और आपका आशीर्वाद दीजिए। तो मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज से भी 2 मिनट विनंती करूंगा, अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोल पाए तो। व्यास पूजा में वगैरह तो महाराज जी ने भी, हमने इस स्टेज का एक मिनी मॉडल बनाया था, जैसे अपने अभी जस्ट वीडियो देखा तो महाराज ने अपनी कृपा इस पे ऑलरेडी बरसाई है। तो महाराज ने इस स्टेज का ओपनिंग भी कराया था 1 महीने भर के पहले। तो बस हम महाराज से भी इसके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम कम से कम 3 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा करने का टारगेट रखते हैं। तो ये पॉसिबल है खाली अगर आप सब भक्त लोग साथ में आए और हम इस नाटिका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बचाए फैलाए सॉरी। तो बस इतना कह के मैं अभी विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। आर्ट
8, 9, 10, 11 फरवरी को ये इस्कॉन मंदिर के बगल में ही ये ड्रामा होने जा रहा है, महानाट्य होगा, और इसमें जो भी नफा होगा, फायदा होगा, उसमें से कुछ प्रतिशत भाग, एक बड़ा भाग जो है, ये जो टीम है काफ़ी बड़ा, ये लगभग 250 कैरेक्टर्स इसमें होंगे, ऐसा महानाट्य है बालाजी का, और इसका जो भी भाग है, विशेष भाग, वो भू वैकुंठ पंडरपुर को ये टीम अर्पित करने वाली है। हरी बोल। तो एक सेवा के रूप में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, बालाजी की भी कृपा मिलेगी और विट्ठल भगवान की भी कृपा मिलेगी। हम लोगों के मध्य श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी उपस्थित हैं, वो आपको श्री क्षेत्र भू वैकुंठ पंडरपुर के विषय में यहाँ पर अब कुछ माहिती प्रदान करेंगे। श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी। हरी हरी, जय हरी, जय हरी। रेज योर हैंड, हाथ उठाइए, बोलिए, सो रहे पीछे लोग जागो, बोलिए हरे कृष्णा, मोर और जोर से हरे कृष्णा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं, और साथ साथ में उनकी आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तुकाराम महाराज और बिट्ठू रखुमाई, उनके चरण में मेरी हृदयपूर्वक प्रणाम, और सभी भक्तों के चरण में मैं प्रणाम आशीर्वाद मांगते हुए कुछ कहना चाहूँगा। आज रात हमारी साथ, आखिरी रात हमारी साथ, ठाकुर के साथ और कीर्तन के साथ। रेडी? कोई भागने वाले नहीं, पक्का, प्रोमेज, थैंक यू। अनेक भक्त, भारत एक समस्त संस्कृति की परिपूर्ण देश है, कई लोग आज हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा हैप्पी न्यू ईयर, बंगाल में बैसाख हैप्पी न्यू ईयर, आप तमिलनाडु में चली जाएं मकर संक्रांति हैप्पी न्यू ईयर, कहां पर कितनी हैप्पी न्यू ईयर समझ में नहीं आ रहा है। हमारी परम आराध्य गुरुदेव भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वयं प्रभु महाराज कहा, एवरी डे एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल मोमेंट इज ए न्यू मोमेंट फॉर अस। प्रत्येक समय में हमें नया व्यक्ति मिलते हैं, नया भोजन मिलता है, नया कपड़ा मिलते हैं, नया लोग मिलते हैं, नया राष्ट्र मिलता है, नया मूड मिलता है, हर समय में नया, हमारी जीवन में हर समय नया, वो है नया वर्ष, एवरी मोमेंट। फिर भी लोकरीति के अनुसार आज यहाँ संसार के लोग मना ही रहे हैं नया साल, तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, हम भी मनाएंगे, लेकिन उनकी हैप्पी न्यू ईयर और हमारी हैप्पी न्यू ईयर में अंतर क्या है? दे आर गोइंग डिफरेंट वे, हम लोग एक दिशा में जा रहे तो दूसरा दिशा में जा रहे हैं। आप जानते हैं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, पुणे की नगर पुण्य नगरी में क्या कितने पाप नगर बना रहा है वो आप जानते हैं। वेरी रेयर, बहुत ही कम व्यक्ति आज यहां एकत्र हुए, ऐसे आप बताइए पुणे नगरी में कितना करोड़ पता नहीं, 10 crores द पॉपुलेशन ऑफ पुणे कितनी है, कौन बोल सकता है कितने करोड़ है? सॉरी, 55 लाख, 1 crore भी नहीं हुआ। अब 55 लाख से अभी 55,000 भी लोग नहीं है, व्हाट इज परसेंटेज, कैसे हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं? हैप्पी नहीं, अनहैप्पी, हाउ कैन से हैप्पी, आप कैसे कह सकते हैं हैप्पी? कोई व्यक्ति पाप करते हुए हैप्पी बन सकता है? महाराज जी कह रहे हैं भोग द नॉट द सोल्यूशन। ऑफकोर्स कौन कहता है भोग नहीं करना चाहिए, हम भी भोग कर रहे हैं। हमारी एक साधु जी मुंबई में प्रोग्राम था, उन्होंने कहा हु कैन से साधु डोंट एंजॉय, वी एंजॉय, कम एंड एंजॉय, वी डांस, वी हैव फीस्ट, को नहीं, हम भोजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, यही तो एंजॉय है कि नहीं? पीपल नाचते हैं गाते तो एंजॉय करते हैं, हम नाचते हैं गाते हम भी एंजॉय करते हैं, वी डोंट डिजर्व, वी डिजर्व द हैप्पीनेस, हम लोग एंजॉय करने की सौभाग्य हैं और हम एंजॉय करेंगे, लेकिन विथ कृष्णा।
हम भगवान के साथ एंजॉय करेंगे, हम खुद एंजॉय नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ रह के आनंद लेंगे। तो नया साल की शुभकामना सब भक्तों को। हम परसों भी आपको कहे थे, टुडे इज द एग्जाम। आज 7 दिन की क्लास था, पिछले 7 दिन से कथा चल रहा है, क्लास चल रहा है, भागवत कक्षा चल रहा है, आज क्या है उसकी एग्जाम है। आप सबको मैं आशा करता हूं आपकी एग्जाम पेपर मिल गया होगा। क्वेश्चन पेपर इज रेडी विथ यू। कभी कभी लोग सोचते हैं संसार इतनी अलग जगह में जा रहा है, इतनी एडवांस आगे चल रहा है, हम यहां क्यों इतनी इस भक्ति भाव में जोड़े। मैं आपको कहता, कबीरदास जी कहते हैं, आप जानते चक्की, परसु गुरु महाराज जी दिखा रहे थे जनाबाई की चक्की, क्या मराठी में क्या मनता, जनाबाई चिपोता, पता ना क्या बोलते हैं, राइट, चक्की जात, जनाबाई जी जात चक्की। आप जानते कई पता नहीं कितने लोग देखे हैं, मैं देखा हूं, हमने देखे, हमारी माँ वो चक्की में पिसाती दाल भांगती थी, दाल है कि नहीं, साबुत दाल को डालती थी, और उसमें क्या होता, एक साबुत दाल वो टूटकी 2 पीस 3 पीस होके आता था। तो कुछ दाल कुछ दाने वो जो लकड़ी होता था सेंटर में उसकी नीचे जड़ के रहते थे, जो जो पीस जाते थे ना, जो दाल टूट जाते थे, वो बोलते थे ए हम पीस रहे हैं, हम पीस रहे तुम नहीं, हम पीस रहे हैं तुम साबुत रह रहे हैं, ऐसा कहते हैं। क्या कह रहे हैं, तुम पीस रहे तुम मूर्ख हैं। ये संसार के लोग कहते हरे कृष्ण वाले पागल है, हम कहते वो पागल है, कौन पागल हम पता नहीं है, पता है। लोग कहते हरे कृष्ण पीपुल आर मैड, और हम कहते संसार पागल, कौन पागल किसको पता। भगवान कहते अबजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान ने कहा जो मेरे भजन नहीं करता है वो मूढ़ा है। और तुकाराम महाराज कहते एड़ाची बाजार है, एड़ाची बाजार है कि नहीं, भजन है। क्या कहते ये बाजार कैसा है, सुपर बाजार नहीं, एड़ाची बाजार है, मूर्खों की बाजार है ये। तो इस मूर्खता के अंदर हमारी कृपा है, महाराज की बड़ी कृपा, वो जो दाने हैं, वो जो लकड़ी की सेंटर पॉइंट, लकड़ी की चतुर्भुज जो जो दाने हैं वो हम लोग हैं, हम पीस नहीं रहे हैं। लोग सोचते हैं सब दारू पीना चाहिए, आज रात को सब लोग, मोस्ट ऑफ द 50% पीपल इन द होटल्स पार्टीज, और कल सुबह उनकी द बैड डे स्टार्ट इन द न्यू ईयर। आप सोचिए क्या क्या संस्कृति हमारी है, द बैड डे स्टार्ट विथ स्लीपिंग, जबकि हमारी यही होना चाहिए कल सुबह हम उठें, स्नान करें, नया वस्त्र पहने, नया आप नया साल मानते हैं तो कुछ करना चाहिए, नया साल नया वस्त्र पहने, ठाकुर के पास जाएं, आशीर्वाद लें। राम एक दातिया दुनिया सारी भिखारी। एक मैं आपको बताऊं, एक सेठ ने गया और मंदिर के सामने, बालाजी के मंदिर के सामने, आपके यहां 1,150 भिखारियां बैठे थे, भीख मांग रहे थे, बाबा दे दे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। तो सेठ ने कहा है भिखारी दर्शन करने भी नहीं देता, पैसा मांगते रहता है। तो उस भिखारी ने कहा, मुंह मोड़ के देखा, साहेब भिखारी सांगो नका मला, तू पण सेठ नहीं है, तू पण भिखारी है। हा काय म्हणता, कैसे बोल रहे हैं आप मेरे को भिखारी। बोला हम तुमको मांगता है, तुम अंदर ठाकुर जी को मांगता है, तू अंदर जाके मांगता, मैं बाहर मांगता हूं, मैं भिखारी तू भी भिखारी है। राम एक दाता दुनिया सारी भिखारी, ये अवस्था हमारी है, सब भिखारी हैं। तो हमारी पिछले 7 दिन से गुरु महाराज जी क्लास ले रहे थे, आज एग्जाम है। लोग कहते हैं मराठी भाषा में कहते हैं कलते पण ओलत नहीं, सब बोलते हैं हम कुछ ले नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, थोड़ा सगलना माइते कहते, सबको मालूम है। सो टुडे इज द टाइम टू डू इट। आज आपको आखिर वर्ष की आखिर दवा, क्लियर द लोन, 2023 की इनकम देखो, आप खुश देखो, हम कहते हैं आपकी जो भी इनकम, ऑनेस्टली जो भी आपकी इनकम, आज की कर्जा, आज की आप गिफ्ट, 2023 की प्रॉफिट, 2023 में ठाकुर जी की कृपा से हमें मिला, जो मिला किसकी ऊपर कृपा से मिला। कौन कहता है कि हम कमाते हैं, कोई व्यक्ति है आप बताइए, आप कहते हैं हम मेहनत करते कमाते हैं, तो रिक्शा वाला लेबर क्या मेहनत नहीं करता है, जो बिल्डिंग के आप नीचे रुकते हैं वो बिल्डिंग आप नहीं बनाते, बनाने वाला
मजदूरी बनाता है, वो मेहनत करता है, आप पर रहते हैं, आप कहते हैं कि आप वो मेहनत नहीं करता है। कौन मेहनत करता है? रिक्शा वाला रिक्शा पहलता चलाता है, लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता है, कौन नहीं मेहनत करता है? तो सब मेहनत वाले को रुपया क्यों नहीं मिलता है, प्रश्न आता है, राइट। अब ये बताइए, यहाँ कोई होगा व्यक्ति जो कि ऐसा कोई व्यक्ति है वो मेहनत करता, हर व्यक्ति 12 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, सबको एक प्रकार के फल मिलना चाहिए कि नहीं? तो क्यों नहीं मिलता है? हमारी चाणक्य कहते हैं इफ समबडी इज रिच उसका कारण क्या है, कोई गरीब है उसका कारण क्या है? वो कहते हैं दानम नासत्री दरिद्रता। चाणक्य कहते हैं दानम नासती दरिद्रता। कोई व्यक्ति दरिद्र है गरीब है उसका रूट है, आप अमीर बनना चाहते हैं तो दानम, दानम नासत्ति दरिद्रता। दरिद्रता को नाश करने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है दान। तो आज आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हमने कई दिनों से सूचना देते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपको आज क्वेश्चन मिल गया सबको पेपर, इस प्रत्येक व्यक्ति है मिला के आपके हाथ में है क्या? ये सामने किसी की भी हाथ में नहीं है, क्या हो रहा है? कहाँ है हमारी टीम? स्लीपिंग, सो रहे हैं? किसकी हाथ में नहीं, हाथ ऊपर करिए प्लीज। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है? पेन, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, प्रभु यू थिंक, आप सोचिए, मैं आप खुद सोचिए 2023 का आपकी क्या इनकम है, आपके क्या इनकम है, आपने कितने कमाया है? कि आपने 1000 नहीं कमाया, 10000 नहीं कमाया, लाख नहीं कमाया, 2 लाख नहीं कमाया, 5 लाख, मैं जानता हूं आपकी कमाई आपको कभी भी किसी को नहीं बोलेंगे, यहां तक पति भी पत्नी को नहीं बोलता है, पति भी पत्नी को नहीं बोलता है कितना कमाई किया, कमाई किया बोलेगा तो बोलेगा दिया के मला। तो इसीलिए आप जानते हैं सीक्रेटली पति पत्नी को पति ना बोलते, और माताएं क्या कहूं कहना नहीं है, दे हैव देर ओन अकाउंट कॉल्ड माताजी अकाउंट, ज्वेलरी अकाउंट, सारी अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स, ओपन अकाउंट टुडे। आज सबसे मेरी प्रार्थना है यू हैव टू गिव एग्जाम, आपको 2023 का 2002 माता जी कहां चली जा रहे हैं, मेरी बातें सुनते ही चली जा रहे हैं, हो माताएं जाओ ना का, सॉरी। तो अब मेरी प्रार्थना है सबसे, यू हैव पेन पेपर स्टार्ट इन 2 मिनट एग्जाम, देयर इज एग्जाम ओनली फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट का एग्जाम है, फास्ट। मैं कहता हूं जो दिया भी वो करें, जो नहीं दिया वो भी करें। और आप सोचिए आज आखिर, टुडे इज द लास्ट, टुमारो आप लोग काल भी नहीं होंगे यहां, और काल मैं भी नहीं बोलूंगा। मेरे सबसे विनम्र प्रार्थना, इफ आई एम प्रेइंग, आई एम बेगिंग, आई एम होल्डिंग योर फीट इस फॉर गुरुदेव, मैं गुरु महाराज के लिए आपकी चरण कहो तो मैं पकड़ लूं, मैं आपकी परे गले मिलूं, आपकी क्या करूं, आप कहिए मैं करने की तैयार हूं, प्लीज टू प्लीज गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए आप कुछ करें, यही मेरी प्रार्थना है। यू नो आप आज जो आप आज हाथ में, ये साउंड थोड़ा और बढ़ा, ये हाथ, दिस इज द हैंड, ये जो हाथ है, इस हाथ में जो आपने दिया, जो देंगे वो आपका है, ध्यान रखो। अब थोड़ी सी सोचो, आपके पास में कितने भी धन हो, वो आप आगे चल के आपकी पुत्र पुत्री क्या करेंगे, कोई भरोसा है? एनी गारंटी दैट दे विल कीप इट? लोग कहते हैं, मैं हिंदी में इसका पता नहीं क्या है, हमारी भाषा में वो कहते हैं, पुअ यदि जोगा धन कहीं पहीं संचीबी, पुअ यदि अजोगा धन कहीं पहीं संचीबी। यदि हमारी पुत्र अयोग्य हो, हमें धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र यदि अयोग्य हो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, इट मीन्स हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। आप करोड़ रुपया रख के रहेंगे वो बर्बाद कर देगा, और आप खाली रहेंगे वो करोड़ रुपया जमा लेगा। मेक योर सन परफेक्ट मैन, आपकी पुत्र को आप संस्कार दीजिए, धन मत दीजिए। हमने इतिहास देखेंगे, हजार लाखों लोग
धन दिए, धन के साथ वो अपने पुत्र पुत्री बर्बाद हो चुके हैं। उसके हजार उदाहरण है भारतवर्ष में, लेकिन कई लोगों ने उनको पैसा नहीं दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, सत्कर्म दिया, सत्संग दिया, वो बने बड़े व्यक्ति। तुकाराम महाराज कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, ही डिडंट हैव डेली फूड टू ईट। आज हमारी समक्ष है तुकाराम महाराज। प्रभुपाद जी, मैं बताता हूं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, या बोले 40 रुपीज इन हिज हैंड। कितना रुपया था? 40 रुपया। एक बार मुंबई में प्रभुपाद जी को किसने पूछा, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने कहा, स्वामी यू आर ऑल बिग बिजनेस मैन, यू शुड हेल्प मी। एक बिजनेस मैन ने कहा, क्या कहा प्रभुपाद, वी आर नॉट बिग बिजनेस मैन, यू आर द बिजनेस मैन। उन्होंने कहा, हमने 4 करोड़ लगाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, आपने 40 रुपया लगाया, आज 400 करोड़ का संपत्ति आपने बनाया। यू अंडरस्टैंड, प्रभुपाद जी ने 40 रुपया लगाया, आज उन्होंने कहा 400 करोड़ का मालिक तुम है। हम 400 करोड़ हम लगाते हैं तो हम 4 लाख कमाते हैं, लेकिन आप बड़े बिजनेसमैन हैं। सो टुडे इन द डे, कोई अपनी एग्जाम पेपर लिख चुके हैं, प्लीज ब्रिंग इट बैक, जल्दी लेके आइए, हम अनाउंस करेंगे महाराज की प्रसन्नता के लिए। कुछ वॉलंटियर्स, प्रभु जी साइड में 10 वॉलंटियर चाहिए, माता साइड में 10 वॉलंटियर चाहिए। एग्जाम जस्ट योर रीड नेम, वहां लिखा है ऑलरेडी। आप, मैं नहीं कह रहा कितना देंगे, प्लीज विल कीप इट सीक्रेट। इफ गुप्तदान है आप बोलिए गुप्तदान, हम गुप्तदान कराएंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है, जो आपने आज दिया वो आपका है, जो आपने दिया वो आपका है, जो नहीं दिया वो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये हाथ में जो दिया वो आपका है, वो संचय है, जो रखा वो आपका नहीं है। मैं जानता हूं अनेक उदाहरण हैं, तो प्लीज ब्रिंग द पेपर्स। हाँ, रेडी है, जिनके पास रेडी है मैं अनाउंस करता हूं, प्लीज उनका नाम अनाउंस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग, ये भक्त लोग ने ऑलरेडी, हमारे पीछे काउंटर है, कल अनाउंस, परसों अनाउंस किया गया था, तो उसमें के नाम रेडी हुआ है। कहा है नेम्स? यहाँ महाराज के द्वारा स्वागत में होगा। हाँ, और जो, हाँ लिखाइए, जो ये सब नाम रहेंगे, ये देखिए क्या लिखा है, अनुभूति जायसवाल 1 लाख, नितिन पिसे 1 लाख, प्रदीप कंगारे 1 लाख, ये सब लोग आए, कैसे भी रास्ता हो रहे रोड, यहाँ है बीच में कोई रास्ता है, लेफ्ट से है। आज आपके लिए नया साल की, आप इसको नया, मैं तो नया साल मानता नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए तो नया साल, जैसे कि अभी गुड़ी पड़वा है, कई नया साल होगा, प्रत्येक दिन नया साल है, फिर भी आप मानते हैं आज की नया साल है, तो आज 2023 द लोन शुड बी क्लियर। आपकी जो भी सेवा है, धनराशि है, आप एक कितना भी दे, हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, यू राइट इन योर पेपर, जो दिया है वो भी लिखे, नहीं प्रभु जी मैंने पहले दिया, नहीं आपने दिया बहुत अच्छा किया, थैंक यू, अप्रिशिएट, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने दिया, लेकिन अभी आज 2023 की आपकी इनकम की जो भी हिस्सा है आपको आज दीजिए प्लीज। महाराज यहां आए हैं, हम महाराज चरण में कुछ देना चाहते हैं। महाकाल अनाउंस किया गया है आगामी 15 जनवरी मकर संक्रांति को हम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। आप मंदिर के निर्माण कार्य शुरू करें, आपकी स्वागत है, आप भी उपस्थित रहिए, और साथ साथ आपकी धन राशि भी हमें आवश्यकता है, कि हमें फाउंडेशन विल स्टार्ट इन द वेरी वंडरफुल डे मकर संक्रांति प्लीज। और इसमें वैकुंठा सुंदरी माता जी, राइट, स्वतदीप प्रभु 5 लाख्स, प्लीज 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 आगे बढ़िए आगे बढ़िए। नितेश नीले सिंधे 1 लाख, पाटनकर तरुण, अच्छा पाटनकर प्रभु 1 लाख, तरुण निताई प्रभु 1 करोड़ रुपया जमा करके दे, 11 लाख रुपया स्वयं दिए हैं, वाह। देवामृत प्रभु 1 लाख, बलिराम हरिचंद्र प्रभु 11 लाख, सुभद्रा लक्ष्मी माता जी 5 लाख, सची प्राण गौर प्रभु 3.5 लाख, दाऊजी प्रिया प्रभु 1 लाख, और जल नारायण आको लेकर 36,000 दे चुके हैं, 2,000 तक अमाउंट प्लीज। ये लोग की जो मैंने नाम अनाउंस किया, क्या सिस्टम है, इनको यहां बुलाना, महाराज से गिफ्ट आपको देना। यस, आपके लिए नया साल के कैलेंडर और विशेष गिफ्ट, महाराज की आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान की विठल रुक्मणी का फोटो,
जो भी गिफ्ट है, इज आशीर्वाद, इट्स नॉट ए गिफ्ट, इट इज ए ब्लेसिंग्स, आपके लिए एक आशीर्वाद होगा, प्लीज आप आइए। हाँ, ये देखिए क्या नाम है, किशोर एकर, राइट, किशोर एकर जी हड़प, राइट, हड़प सर से हैं, 1 लाख, हरी बोल, ताली बजाइए, ताली ताली उनके लिए, कम फ्रंट, आइए आगे बढ़िए, किशोर जी और अपर्णा, किशोर एंड अपर्णा माता इज देयर, आप लोग यहाँ हैं, आ जाइए, 1 लाख, और कोई, प्रभु जी हम लोग यहाँ 4000 भक्त बैठे हैं, कितने भक्त बैठे हैं, 4000, हमें वी नीड ओनली 100 डिवोटीज, 200 डिवीज, 10%, 400 व्यक्ति का दान राशि हमें चाहिए आज, और आज ही आप संकल्प करें 2023-24 कौन देखा, 23 द लास्ट डे, प्लीज प्लीज आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, जो आप आज दे रहे हैं वो आपकी सेवा है और भगवान के सामने भगवान को दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं जो आपने दिया है वो आप भगवान को दे रहे हैं और भगवान ने आपको दिया है। कोई व्यक्ति गंगा से जल लेकर गंगा में देता है, कौन क्या कहता है, उसमें गंगा प्रसन्न होती है। लक्ष्मी हम प्रत्येक कहते हैं राधा माधव, हमारी पद्धति है सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा माधव, सो दिस इज माधव, हम लोग गाते हैं माधव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माधव आप जानते हैं, भागवत गीता में भगवान कहा माधव, अर्जुन ने अप्रोच किया है माधव, क्या अर्थ होता है, मार्थ लक्ष्मी, धव अर्थ पति, माधव लक्ष्मी पति। तो मैं आपको कहता हूं हमारी इतिहास में शास्त्र में पुराण में दो बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, एक था रावण, एक था रावण और एक था हनुमान, एक था रावण और एक था हनुमान, बताइए क्या अंतर है, क्या अंतर है रावण और हनुमान में। रावण एक महाविद्वान व्यक्ति था, फिर भी वो माता लक्ष्मी सीता को भोग करने के रहा, इसके कारण वो सर्वनाश हो गया, और उस सीता माता को भक्त हनुमान ने अनुसंधान किया और अंत में उस माता लक्ष्मी को लेकर भगवान राम के चरण में स्थान दिया, वो बने राम भक्त हनुमान। तो हमें हनुमान बनना है या रावण बनना, आपके हाथ में है, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या चाहते हैं, रावण बने कि हनुमान बने, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, रावण, कौन है व्यक्ति जो रावण बनना चाहता है कोई, कोई ना है, हमें बनना है हनुमान। तो आइए ये देखिए दूसरा है, जोगिंद्र यादव प्रभु ठाणे से आए हुए हैं, 55,000 मैं उनको जानता नहीं हूं लेकिन मैं इनका नाम अनाउंस कर रहा हूं, कृपा करके आप आइए तुरंत स्टेज में आइए, आपकी अपना फॉर्म लेके आइए, आप यहीं दीजिए और तुरंत गुरु महाराज से गिफ्ट लीजिए, ऑन द स्पॉट, नो पेंडिंग योर गिफ्ट, हम आशीर्वाद तुरंत देने चाहेंगे, महाराज की कृपा आशीर्वाद आपकी उपस्थिति में। सेकंड, राकेश मोहन राठौड़, राकेश मोहन राठौड़ 2,88,00, 2 लाख रुपया उद्धार कर दे रहे हैं, कहां से, ये हड़पसर से हैं, हड़पसर, वी आर सेव, हम वंचित हैं, हम वंचित हैं, हम आज उस छत्र छाया में हैं जैसे भगवान कृष्णा गोवर्धन गिरिराज की नीचे ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान किया, आज आप इसी मंच में हैं, इसी मंच पे हैं जिस मंच के गुरु महाराज भगवान विठल की छत्रछा में हम बैठे हैं, हम पापों से मुक्त हैं, आज हम यहां नहीं होते तो हमारे दिन और कहीं होता, डिंग डांग डीजे और उसकी नीचे है कि नहीं, तो हम और डीजे की नीचे नहीं है, हम विठल की चरण के नीचे हैं, तो ये हमारी सौभाग्य है। यस, कमलेश मोहन प्रभु आ रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, दे आर गेटिंग द गिफ्ट, और कोई, मैं पता नहीं मेरी समय हमें पता नहीं, ये इतनी मुश्किल है आपको अपने नाम लिखने के लिए, हस्ताक्षर आपके हस्ताक्षर करना है और धनराशि लिखना है, जस्ट महाराज जी आज कह रहे थे जस्ट डू इट, डोंट थिंक, इस मामले में डोंट थिंक, जस्ट डू इट, दैट्स द डायलॉग आई अप्लाइड, जस्ट डू इट, डोंट थिंक इन दिस वर्क, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में शीघ्र करें,
विड़म्बना न करें, माताओं से कोई भी उठ नहीं रहा है, पर्सनल खजाना खोलो, सोने दागिने गहने भी हम दे सकते हैं। ओके, हियर इज अनदर जेंटलमैन, क्या ये शैलेश थीटे, बस मनीषा थीटे, 1,00,000 रुपया, हरि बोल, थाली बजाइए, 1,00,000, थैंक्स। हियर वन मोर हियर, क्या नाम ये, नारायण पावर, अलीबाग से यहाँ आए हुए हैं, नारायण पावर, पावरफुल मैन, नारायण पावर, वेयर इज द पावर, हा 1,00,000 रुपया, हरि बोल, थाली 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 बजाए भाई, आप तो धन्यवाद दो, आभार मानो भाई, करने वालों को गुणगान करो, और हमें पता नहीं आ रहा है इधर से, राइट साइड से कुछ नहीं आ रहा है, गेट इट, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि महाराज जी की पुनः कथा कीर्तन है, सुनना नहीं कि नहीं, मैं कंटिन्यू बोलते रहूं, आप चाहते हैं कि मेरी बातें बंद करो तो आप कुछ फॉर्म भर के दे दो, हम बंद कर देंगे हमारी बातें बोलना, नहीं तो तब तक बोलते रहेंगे। हाँ, विशाल बी पाटिल, आई अप्रिशिएट, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उसने देखो मैंने क्या कहा, आप लिखो आपकी कितनी शक्ति है, जथा शक्ति तथा भक्ति, आपकी जितनी शक्ति है उसी आधार पर, इधर आप भी हनुमान, आप जानते हैं हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके आके सेतु बंद बांध रहे थे, आपको याद होगा, आप जानते हैं बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र में डाल रहे थे राम नाम लेके, के वहां छोटी सी काठ बिराल, क्या बोलते इसको, बड़े संकल्प के लिए आप गिलहरी ने वहां गया और अपने थोड़ी सी कुछ रेतिया डालना शुरू किया, हनुमान साहेब आए, हनुमान जी आए, बोले गिलहरी कहीं हमारी पैर के नीचे तो दब ना जाए और तेरी मृत्यु ही ना हो जाए, राम नाम सत्य न हो जाए, हट, पत्थर डाल रहे हैं यहाँ, क्या कर रहा है तू, ऐसा उसने कहा, हनुमान ने कहा, आप कह रहे थे, वो गिलहरी ने जाके प्रभु राम के चरण में कहा, हे प्रभु क्या मेरी योग्यता नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने कहा क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, तो उसने कहा, किसने कहा आपकी योग्यता नहीं है, प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथ में रखे और अपने हाथ से आशीर्वाद दिए, आज भी आप देखिए गिलहरी की शरीर के ऊपर में 5 रेखाएं हैं, ये राम भक्त का, राम का आशीर्वाद, सीखो अपनी गिलहरी से सीखो, 1,00,000 नहीं, आप 1 रुपया देंगे हम लेंगे, राइट डाउन 1 रुपीज, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट, आप सोचिए कि आप 1,00,000 देने की आपकी ताकत है तो आप 1,00,000 रुपये, और मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारी विशाल बे पाटिल जी, ये गैलरी ग्रुप में ओनली 5,000, धन्यवाद प्रभु, मेरी हृदय से आपने हिम्मत करी कि मैं 5,000 दूंगा, ऑनेस्ट मेरी शक्ति इतनी है, आपने दिया, धन्यवाद 5,000, धन्यवाद, गैर आइए, आप आइए, आप आशीर्वाद लीजिए, और ये हमें अभी एक छूट, ये देखिए एक छूट दे रहे हैं, हमें पता नहीं था, प्रभु जी बड़ा छूट दे रहे हैं, ये जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 हैं, ये आप 1-2 साल में दे सकते हैं, वाह क्या बात है, थैंक यू फॉर उदारता, आज नहीं देना है आपको, 1-2 साल में देना है, 2023 में संकल्प करें और 2024-25 में इसको आप दे सकते हैं, वाह और छूट थाने से, हाँ रमन प्रभु 200 डोनेशन बॉक्स से कलेक्शन कर रहा है, मैंने वो सुने, हाँ हाँ वो कहीं, और कोई और कोई फॉर्म नहीं आ रहा मेरे पास, हमारे सुरेश कुमार जी है ना, हाँ कोड का संकल्प नहीं आ रहा था, पंडना जो का जो क्या का है सेवन, सुरेश मोर जी हाँ यहाँ बैठे हैं, हमारी सख्यम समक्ष में बैठे हैं सुरेश मोर जी, जो कि जलगांव से हैं, है ना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, पंडरपुर से उनकी भी मुलाकात हुई, मेरे सामने बैठे हैं मेरे प्रभु और उनके धर्मपत्नी, 3 करोड़ रुपया उन्होंने संकल्प लिया, अर्ली 50,000 कैश ऑन हैंड और दे चुके हैं, जोर से तालियां उनके लिए एक बार, प्रभु उनके लिए कभी कभी कुछ लोग खुश हो जाओ, कोई व्यक्ति दे रहे हैं दिए हैं उनके लिए, एनकरेज प्लीज,
ओके गुड हियर चेतलाल साहू, चेतलाल साहू हाँ कातराज कोंडवा रोड 55,000 रुपीज 11 square foot 11 square foot दैट्स गुड। सहादेव प्रसाद गोस्वामी 21,000 रुपीज, महादेव प्रसाद गोस्वामी 21,000। मैं क्या करा, आप भय न करें। ओ आप समझ में आया, हाँ मैं तो व्यक्ति देख नहीं रहा, चेहरा ही दिख रहा खाली पीछे। लेकिन मैं जानता हूं वो चेयर भी देगा। छोटे बच्चे ने 11,000 दिया। एक देखो छोटा सा बच्चा, ये देखो छोटा बच्चा सामने देखा उसको, इसने गौरी सुंदर शर्मा, शर्मा जी है, शर्मा है शर्माओं मत, उन्होंने 11,000 रुपया के संकल्प किए हैं। आप संकल्प कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे आज, आप संकल्प कर रहे हैं। प्रेम अवतार चैतन्य दास भुवनेश्वर ओडिशा से आए हुए हैं, उत्कल जगन्नाथपुरी वहां से आए हैं, 1,00,000 रुपीज दे देंगे बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, गेट द ब्लेसिंग, महाराष्ट्र से आशीर्वाद लो। वसवराज सुतार कहां से हैं ये, हड़पसर से हैं, 10,111 रुपया। हरी बोल, ताली ताली बजाइए। ये कितना लक्ष्मी कितना हुआ, हियर इज शिव कन्या देवीदासी, शिव कन्या देवीदासी पुणे हड़पसर पुणे से है, 2,00,000 रुपया। हरिबो पोगंडला प्रभु 2,00,000 रुपया, एनबीसीसी पुणे 2,00,000। आप हैं प्रभु जी मेरे पास में हैं, थैंक यू। अजय ठाकुर प्रभु 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। आइए आइए ये देखिए, नंद कुमार मिराजकर एनबीसीसी पुणे 55,000 रुपीज। किरण राजहंस प्रभु कहाँ है, मेरे प्रभु मेरे भैया कहाँ है, चले गए। किरण राजहंस प्रभु ध्यान रखो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तुरंत आप मैसेज भेजो, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। किरण राजहंस प्रभु वो यहाँ नहीं है, वो ऑन द वे ऑनलाइन में कहे, 1,00,000 रुपया। ताले हरी बॉल गिफ्ट आप लीजिए, या प्लीज प्लीज सामने। मैं जानता हूं जो देने वाले वही, जो नहीं देने वाले भागे, वो भाग गए क्योंकि देने का नहीं, उनको सुनने का नहीं। जब लेन देन की बातें करते हैं ना वो भाग जाते हैं, जो देने वाले बैठे हैं वो ही देंगे, हम उनसे लेंगे। नाम अनाउंस नहीं करना है, ओके गुप्तदान कितना, 11,00,000 रुपया। हरिबो गुप्तदान, थैंक यू। और कोई फॉर्म मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, धीरा प्रशांत प्रभु, एनी न्यूज कोई संदेश, और कोई माताजी लेके आ रही है, फॉर्म लेके आइए, सहयोग करिए, वी नीड हेल्प। आप कभी कभी होता है ना कॉपी करते हैं, कॉपी करते समझते हैं ना, एग्जाम में जिसको लिखना नहीं आता है दूसरा मदद करता है, जिसको लिखना नहीं आता आप लिख दो, लिख के मदद करो। इस्कॉन ठाणे 200 पेटी का कलेक्शन बोलते, और हमारी इस्कॉन ठाणे की प्रेसिडेंट यहीं उपला बैठे हुए हैं, कहाँ हैं, इस्कॉन ठाणे की प्रेसिडेंट रेवती रमन प्रभु 200 डोनेशन बॉक्स आप भी कर सकते हैं, कहाँ डोनेशन बॉक्स दिखाओ, बॉक्स लाए क्या, बॉक्स लाओ दिखाओ, हाँ ऐसा बॉक्स भी आप लेके अपनी दुकान में शहर में रख सकते हैं, और कह सकते हैं प्रभु हर रोज कोई कस्टमर आता है, बोलिए भू वैकुंठ पंडरपुर की विठल के घर बनाना है हमें, हमारी घर बना हुआ है, कौन व्यक्ति है जिनके घर नहीं बना हुआ है, यू मेक ए हाउस फॉर द लॉर्ड, लॉर्ड विल मेक ए हाउस फॉर यू। आप ऐसे बताइए, भारतवर्ष में किसी भक्त कह सकता है किसी ने दान दे के भिखारी बन गया, कोई कह सकता है, हाँ मैं जानता हूं एक बार एक राजा भिखारी बने थे, रास्ता में आए गए थे, खुद बिक गए थे, वो थे दानवीर हरिश्चंद्र। उसके बाद में
कोई व्यक्ति दान दे के भिखारी नहीं हुआ। कौन कह सकता कि मैं दान दे के भिखारी हो गया, ऐसे कोई व्यक्ति है? आपको नजर में दिख रहा है दान दे के आप भिखारी नहीं होते हैं। आज दानवीर हरिश्चंद्र ने खुद बिक गए दान दे के, लेकिन उनके लिए परीक्षा था और उनके नाम इतिहास में लिख गया दानवीर हरिश्चंद्र का, राइट। वो भी खुद बिक गए थे, अपनी पत्नी को भी बेच दिए थे, पुत्रों को भी, रोहित को भी बेच दिए थे, लेकिन आज स्वर्ण अक्षर में शास्त्र में वेदों में पुराने उनके नाम लिख गया, बाकी हम नहीं। हमारी मदन वर्मा जी, वर्मा साहेब आइए। वाह क्या बात है। हाँ परम प्रथमेश माधव पुंडे, कौन है, कहां से, ये डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, वाह क्या बात है, तालुक करमाड़ा सोलापुर से जिला से है प्रथमेश माधव पुंडे, इज राइट द करेक्ट नेम? प्रभु आपका नाम सही है, मैंने कहा माधव, नाम देखो माधव मैंने कहा था। 1,00,000 रुपया, हरि बोल, यस जय हो। ये देखिए वर्मा, वर्मा जी मैंने कहा था वर्मा को सेवा करना है, बड़े हमारे भरे से कह रहे, मदन जी बोल रहे हमारे बड़े भाई, आपका क्या फॉर्म भरो जल्दी। हाँ ओम प्रकाश वर्मा जी 50-50 पिंपरी गांव से, हाँ 55,000 अभी मेरा फॉर्म भरता हूँ प्रभु जी का। चलिए फॉर्म दो इनका, अरे इनका फॉर्म दो इनका, भरो भरो, चलो बेटा हो गए वो एक, अरे नहीं नहीं आज नहीं, आप 1 रुपया लगो, एक ही लिखना, अभी हमारी प्रभु जी लिखेंगे, हाँ मेरा सामने लिख रहे हैं। हाँ मैंने कहा 2023 का इनकम का आपको आज लिखना है, आपने कुछ कमाई नहीं किया, जिन लोगों ने कमाई नहीं किया आइए हम आपको देते हैं, आपने लॉस में हो तो हमें बताइए, हम आपके नाम पे भरेंगे पैसा, लेकिन आप फॉर्म भरिए, लॉस हुआ तो भरिए फॉर्म, उतना जमा हम करेंगे आपके नाम पर ठाकुर जी के लिए। आपकी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ 2023 का या 24 पर, आप कह रहे विल बी द लूजर, विल बी ग्रेट बेनिफिटर, आप लूजर मत कहिए। आज संकल्प करेंगे 2024 का, आप जानते तिरुपति में संपूर्ण दक्षिण भारत की लोग 2023 की वैकुंठ एकादशी को आके अपना गुप्तदान बालाजी के चरण में डाल देते हैं, प्रभु ये मेरी इस साल की इनकम। भगवान कहता तूने इनकम क्या 5 रुपया, मैं तेरे को अगले साल को 10,000 दूंगा, डबल करके दूंगा। किशोर जी लेकर अपना 1,00,000, किशोर जी मैंने अनाउंस किया था ना अपना, हाँ एवलेकर अनाउंस किया फास्ट, किशोर जी और अपना एवलेकर 1,00,000 रुपया, हरि बोल। हाँ कैसा प्रभु, ये है धर्म पत्नी, हमारी माता श्री नीचे से बैठ के कह रहे हैं, धर्म पत्नी का अर्थ होता है कि अपने पति को धर्म पथ में लेना, धर्म पत्नी माता जी कह रहे हैं अपने पति का सेवा कहाँ है, नाम क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं, धर्म पति ये धर्म पत्नी दस धर्म पत्नी, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी पति का नाम क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे पैसा, चलिए क्या बोलते बात नहीं नहीं आज वो 1 करोड़ क्या हम नहीं बोलेंगे। ये देखिए मदन लाल वर्मा 1,00,000 रुपया, वाह थैंक यू। और कोई, और कोई देखिए, अभी माता जी ने कुछ मंत्रणा दिया प्रभु जी को, वंडरफुल एग्जाम्पलरी, और कोई माता जी पति जी के पास में मंत्र फेंको ना भाई, हाँ हाँ अच्छा सेगा, अरे बाबा क्या बात है, देखो ये जमाई और उनकी बेटी और ससुर जी के लिए यहाँ आए हुए हैं, कह रहे हम आइए आइए आइए, ये कौन है भाई, कैलाश बिठल गिरी 55,000 रुपीज, बिठल पुरी जी 1,00,000 रुपया, ताली तो बजाओ भाई, आप जानते ताली बजाने से क्या होता है, कौन कह सकता है ताली बजाने से क्या होता है, अरे जोगो कहीं अभ्यास करते ना बोले ताली बजाओ, और लाफिंग क्लब ला हंसो, बोले एक बार सब लोग हंसिए, सब लोग हंसिए, अरे हंसो तो सही भाई जोर से, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी केशव प्रभु, क्या कहूं मैं केशव प्रभु के बजाय नेता, इस मंदिर की सबसे पहला डोनर है, उन्होंने सबसे पहले उसी हिस्सा उनकी
कहने से हमने कहा शुरू करेंगे मंदिर। उन्होंने कहा आप मंदिर शुरू कीजिए, मैं आज नहीं 2 साल पहले केशव प्रभु ने संकल्प किया 1 करोड़। और आज उनकी पत्नी की पिता अर्थात उनकी ससुर जी आ रहे हैं हमारी समक्षा उनके नाम से। क्या नाम उनका? पुखराज जी। पुखराज जी, पुखराज वर्मा। हाँ हाँ, चित्ररेखा सखी माता, उनकी तरफ से 5 लाख रुपया। हरि बोल। क्या जमाई है, जमाल ये जमाई ससुर जी का। आइए और भी नाम पढ़ते हम लोग। मिन केतन गोरंगदास प्रभु 1 लाख रुपया, जिनके नाम पढ़ रहा हूं मैं प्रभु जी आपका जानता नहीं हूं, मैं सुना हूं व्यक्ति को, सबको जानता हूं नाम से नहीं। प्लीज आके आपके नाम अनाउंस करते हैं, ये आपकी हक बनता है कि आई गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु महाराज। आपके नाम आया मतलब आप आगे बढ़े और गुरु महाराज से अपने गिफ्ट लें। दूसरा संतुष्ट मुकुंद दास 11,000 रुपया, कि 1,11,000 दिए 11,000। लक्ष्मी सोनवने हाँ पुणे कैम 25,000 रुपया। ये आप सोचिए मत कि प्रभु जी जो 1,00,000 रुपया दे रहे उसको ताली बजाऊ, 11,000 दिया नहीं। मैं आपको क्या कहता, ठाकुर के सामने व्यक्ति अपनी जेब देखते हैं, व्यक्ति नहीं देखता है। देखिए आप सोचिए, कोई व्यक्ति आप सोचिए, मैं थोड़ी उदाहरण देता हूं, आपकी जेब में 1,000 रुपया है, एक व्यक्ति मंदिर में आया, एक व्यक्ति का हाथ पकड़ में 1,000 रुपया था, उसने दिया 100 रुपया, और एक व्यक्ति का पास 100 रुपया था, उसने दिया 20 रुपया, किसने ज्यादा दिया? 100 रुपया वाला ज्यादा दिया कि 20 रुपया वाला? 20 रुपया वाला ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी उसने 20% दिया और 1,000 रुपया वाला 10% दिया, तो उसने 20% दिया। तो इसीलिए छोटे अमाउंट को मत सोचिए, उनकी इनकम कम है, उन्होंने अपने दम से, वो है हमारी गिलरी, हनुमान नहीं, आप हनुमान हैं तो वो गिलरी हैं। ये देखिए सुयोग मनोज मोरे 55,000 रुपीज। क्या है लिखा है? पंडरी कृपा देवी दासी 1,00,000 रुपये। हरि बोल, ताली ताली जोर से। जो पीछे लोग खड़े हैं प्रभु जी माता जी चेयर आगे हैं, आ जाओ इधर आइए, आइए आइए आप लोग आइए। महाराज की कथा समाप्त नहीं हुआ, ये हमारी 1 करोड़ जब बनेगा तब फिर हम खत्म करेंगे भाई, नहीं तो नहीं। रात को 12 क्या बजेगा, 1 बजाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, गेट बंद करो उधर पीछे। वेदांत तुषार देशमुख 11,000 रुपया। ये देखिए अनुपम विठल दास प्रभु 3,00,000 रुपए। झाइबो ट्रिपल एट, वाह वड़े। और कोई? हाँ ये देखिए समीर सुधांशु, सुधांशु क्या है, सरकार जो भी है, समीर सुधांशु सरकार, ये सरकार है नगर अहमदनगर, 22,000 रुपए 2 स्क्वायर फुट। और यहां पर हम देखते हैं कृष्ण बंधु आरती कोंडवा, ना क्या कोंडवा है, ओके पुणे 10,000 रुपए। और कोई मेरा पास नहीं आ रहा है। आप लोग की प्रेम पत्रिका ठाकुर जी की चरण के लिए, मैं सिर्फ एड्रेस पढ़ने वाला हूं, जो लेटर है भगवान पढ़ेंगे। ले आइए अपनी प्रेम पत्रिका प्लीज, पीछे भक्त चर्चा कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश प्रभु। और कोई है? हाँ सामने 4 लोग खड़े हैं, चारों भक्त का फर्म आया नहीं मेरे पास, आइए फर्म ले आइए। सामने माताओं से फर्म नहीं आ रहा है, अभी भी भर रहे हैं, टाइम इज एक्सपायरिंग, समय समाप्त हो रहा है प्रभु माताएं। प्लीज 2023 लास्ट वार्निंग, ब्रिंग योर फर्म, अपनी फर्म लेकर आइए जल्दी। और कोई फर्म प्रभु जी प्लीज, ओके गुड थैंक यू। और ले 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 भाई।
ये हमारी नितिन गिरी जी नरहे पुणे से हैं। 11,000 पे 11,000 रुपया, हरिबोल, 11,000 रुपया, इट्स नॉट छोट स्मॉल अमाउंट, 11,000 रुपया। माताओं से हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, माताजी ठाणे से कुछ लोग माताजी आए हैं, बैठे मेरे सामने दिख रहा है, पुणे से ठाणे, पुणे बड़ा आसपास के हैं, ठाणे से जो आए वो भी दें, पुणे से भी जो आए वो भी दें। यस, आप इधर से आ सकते हैं, अपनी फॉर्म लेकर गिफ्ट ले सकते हैं। हाँ आइए, बालचंद्र चेतन दास, 11,000 रुपया, हरिबोल। और कोई, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। 1, 2 क्या, एक क्या, एक लाख, हाँ लगो, क्या नाम इनका, ताना जी, ओके, ओहो हो बा व्हाट, ताना जी लक्ष्मण गोटे जी, उनकी जन्मदिन के लिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 1,00,000 रुपया दान किए हैं। सब लोग 3 बार हरिबोल बोलेंगे उनकी स्वास्थ्य के लिए। हरिबोल, 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 वेरी गुड। हाँ, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, नाम भरो, फोन नंबर लो। हरे कृष्णा। जे भक्त प्रसाद घेत आहेत, हा ही अनाउन्समेंट त्या लोकांसाठी आहे, त्या भाविक भक्तांसाठी आहे। कार्यक्रम अजून संपलेला नाही, लई महत्त्वाचा कार्यक्रम हा शिल्लक आहे की वृंदावन वरून आलेले जे भक्त, त्यांनी ड्रामा जे 2 दिवसापासून आम्ही त्यांचे 3 दिवसापासून ड्रामा पाहत आहोत, सर्वांना आवडला ना त्यांचा ड्रामा, हरी बोल। तर त्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा ड्रामा आज शिल्लक आहे, त्यांनी मुद्दाम ठेवलेला आहे तुमच्यासाठी। तर जे बाहेर प्रसाद घेत आहेत बाजूला, त्या तर त्या लोकांना मी निवेदन करतो की ते या ठिकाणी यायचं आहे। आणि हा जो महानाट्य आहे, जसं महाराज जी सांगत आहेत, आजचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे भगवान श्री राधा रास बिहारी जींचा महारासाचा ड्रामा आहे, हरिबोल। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उन भक्तों से जो प्रसाद लेने के लिए गए हैं, प्रसाद लेने के पश्चात लीजिए, कोई हरकत नहीं, लेने के पश्चात यहां पर पुनः पंडित